अल्लाह के नाम पे जिंदे जाओ बाबा। इस बच्चे को खत्म कर दो बादशाह, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। सेठ ने मेरे साथ धोखा किया है। बच के निकल गया। तुम लोग यहीं ठहरो। यस सर। तीसरी बार उस हरामजादे दामोदर ने हमारा माल लूटा है। एक तो वो तड़ी पार है, ऊपर से इसी शहर में रहता है और ऊपर से लूट मार करता है। इसी से उसकी हिम्मत का अंदाजा लगा लीजिए हीरा सेठ। मेरा ख्याल है उससे हाथ मिलाने में ही भलाई है। शट अप! मैं अपने दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाता, उनके हाथ काट लेता हूँ। दामोदर के हाथों में बहुत दम है हीरा सेठ, पलक झपकते ही गला काट देता है। दुश्मन की ज्यादा तारीफ की तो जबान काट के रख दूंगा। ये दामोदर मेरे लिए सरदर्द बनकर रह गया है और तुम जानते हो मुझे सरदर्द जरा भी पसंद नहीं। शिवा नाम की एक गोली है हीरा सेठ, जो आपके इस सरदर्द को दूर कर सकती है। कौन शिवा? एक पेशावर कातिल, जुर्म की इस दुनिया में आजकल उसका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। ठीक है, शिवा के चाकू पर इस हरामजादे दामोदर का नाम लिखवा दो आज अभी। अच्छा, अब उनके नाम का सुपारी निकाले लाए। ए शकुरा, हाँ। ये साला बंबई शहर में ऐसा कौन सा शाणा पैदा हो गया रे, आ? जो आप उनके नाम का सुपारी ले सकता है? आ, 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 अरे साला अपुन तो वो है कि जिंदा तो जिंदा, साला मरे हुए को भी मारता है। इस खिलौने के साथ मैं बचपन से खेलता आया हूं, अब यह मेरा दोस्त बन चुका है, मेरा साथी। मेरे साथ गद्दारी नहीं करेगा, यकीन नहीं आता तो एक बार फिर से कोशिश करके देख। दामोदर, मेरे चाकू ने तेरे खून को चखने की कीमत ले ली है, लेकिन जुर्म के इस बेउसूल दुनिया में मेरे भी कुछ असूल हैं। मैं अपने शिकार को कभी सोते हुए नहीं मारता, जगा कर मारता हूं, ताकि मरते वक्त उसे शिकायत न रहे कि मैंने उसे अपनी जिंदगी बचाने का मौका नहीं दिया। अब उन बहुत खुश हुआ भिड़ो, पहला टाइम किसी ने दामोदर की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत की है। पहला टाइम किसी ने दामोदर का फेंका हुआ चाकू पकड़ा है। पहला टाइम किसने दामोदर के अड्डे पर आकर उसको धमकी दी है। दुनिया का हर काम एक न एक दिन इंसान के साथ पहला टाइम ही होता है दामोदर। जन्म का पता 9 महीने पहले चल जाता है, मगर मरने का पता 9 सेकंड पहले भी नहीं चलता। इसलिए मैं मरने वाले को 9 घंटे की मोहलत देता हूं, ताकि वो अपने क्रियाक्रम का सामान अपने हाथों से खरीद सके। चलता हूं। ये चाकू मैं तेरे कंधे के बजाय तेरे सीने में भी उतार सकता था, मगर मैं बगैर कीमत किसी का खून बहाना नहीं चाहता। 9 घंटे बाद मुलाकात होगी। अरे साला, अपुन को मारेगा तब ना जब खुद 9 घंटे तक जिएगा।
हराम ज्यादा अपुन को मारने की धमकी देकर आया था। देख, अपुन तेरी अर्थी का सामान खरीद कर लाया है। तू मर तो गया है लेकिन अपुन फिर भी तेरे को मारेगा, क्योंकि अपुन वो है जो जिंदा तो जिंदा मरे हो को भी मारता है। क्रियाकर्म का सामान कोई भी खरीद कर लाए दामोदर, मगर काम उसके आता है जिसका वक्त आया हो। शिवा भाई, ये हैं हमारे हीरा सेठ यानी डायमंड, जिनकी चमक से गुनाहों की दुनिया रोशन है। और हीरा सेठ, ये है शिवा यानी मौत का सौदागर। भाई वाह, तुम्हारे जैसे आदमी का स्वागत तो फूलों के हार से होना चाहिए। शिवा भाई, तुमने दामोदर को मारकर मेरा जीवन खुश कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरा करोड़ों का फायदा हुआ है, वरना उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। 3 बार मेरा माल ऐसे उठाकर ले गया जैसे उसके बाप का माल हो। तुम्हारा काम हो गया? हाँ, मेरा काम तो हो गया। फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? शिवा, मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे लिए ही काम करो। शिवा आजाद शेर है, कोई पालतू कुत्ता नहीं जिसके गले में तुम जंजीर डाल सको। अरे तो मैं कहाँ तुम्हारे गले में जंजीर डाल रहा हूँ। तुम आजाद शेर हो, आजादी रहो, पर कभी कभी हमारे लिए भी शिकार कर लिया करो। बदले में तुम्हें जितना माल चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। हीरा सेठ, मेरी एक बात दिलो दिमाग में बिठा लो। शिवा कोई ऐसे आदमी को मारने की सुपारी नहीं लेगा जो निर्दोष हो या जिसके आगे पीछे कोई रोने वाला हो। समझ गए? समझ गया, समझ गया। अरे एक मिनट शिवा, आओ जल्दी आओ, एक मिनट, एक मिनट। मेरी तरफ से ये छोटा सा नजराना। तुम सिर्फ वही पैसे देना हीरा सेठ जो सुपारी लेते वक्त हो। अरे एक बात मेरी समझ में नहीं आई शिवा, कि तुम इतना रुपया कमाते हो फिर भी इन फर्नीचर हालात में रहते हो, क्यों? मैं रुपयों का क्या करता हूं यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। भाई तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं जानना नहीं चाहता, सिर्फ इतना बता दो, बरसों से सनात आश्रम में तुम ये गुप्तान क्यों करते हो? ताकि फिर कोई अनाथ उस राह का रागीर ना बने जिसका मैं मुसाफिर हूं। अरे यार, शादी के दिन तो दूल्हे राजा की बादशाहत होती है। पर है। थैंक यू सर। वन में तू कहाँ जा रहा है? सलाम मार सलाम। पता नहीं तेरे होटल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है और मैं मुसलमान बनकर आया हूँ। हाँ, और यकीन नहीं आता तो ये 20 रुपए रख ले। ऐश कर। थैंक यू सर। अब तो तेरी सालियां चांदी की थाली में चांदी के चम्मच से तेरे चमचम खिलाएंगी। लिफ्ट आ गई। चलो चलो जल्दी चलो, ये फुल हो जाएगी। अरे आप वहां क्यों खड़े, एक आदमी के लिए जगह है। आइए। ओके भाई भाई। लगता आपकी नई शादी हुई है, नर्वस लग रहे हो। पान खाएंगे? जी नहीं। पलंग तोड़ है? एक्सक्यूज मी, डूले राजा, आप कौन से माले पर जा रहे हैं? नवा माला, रूम नंबर 917। ओ नाइन वन सेवन। जीजा जी, आइए ना,
अंदर आइए। आता हूँ, आता हूँ। नहीं नहीं नहीं। आइए आइए बैठिए। जीजा जी, एक बात बताइए, आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है? तुम? मेरा मतलब है, आपको खाने में कौन सी चीज पसंद है? खाने के मामले में मुझे सब कुछ पसंद है। अच्छा? हम दूल्हे राजा के दोस्त हैं। कोई दोस्त अंदर नहीं आएगा, हम लोग दूल्हे राजा की खातिरदारी खुद कर लेंगे। जब तक हमारा दोस्त नहीं कहेगा, हम हरगिज नहीं जाएंगे। जीजा जी कहते हैं वो खाना खा रहा है, आप लोग बाद में आइए। शादी होते ही दोस्तों को भूल गया। चलो यार, चलो, 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 चलो यार। देखिए, मैं तो बड़ा हल्का फुल्का खाने वालों में से हूँ। तभी तो आप इतने हल्के फुल्के हैं। अच्छा खाएंगे नहीं तो अच्छा काम कैसे करेंगे? देखिए, मैं बड़ा सीरियस किस्म का आदमी हूँ, मुझे ऐसे लुच्चे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, तो फिर आप ये साबित कर दीजिए कि ना ही आपको लुच्चे मजाक पसंद है और ना ही आप लुच्चे हैं। अरे मैं तो आपकी मर्दानगी का लोहा मान दूंगी अगर आप ये सारा खाना खा ले तो। तो ठीक है, आज मैं कुछ हल्का फुल्का खा ही लेता हूँ। मजा आ गया। और कुछ बचा है क्या? नहीं नहीं नहीं, अब खाने का नहीं पचाने का वक्त है। जाइए अंदर, हमारी सहेली आपका इंतजार कर रही है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं तो यहाँ सोफे पे ही सो जाऊंगा। क्या? देखिए, हमने खिला पिला कर आपको यहाँ सोने के लिए तैयार नहीं किया है। चलिए उठिए, जाइए अंदर। नहीं जी, नहीं, उठे ना। नहीं 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 नहीं, चलिए। आज मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे बुखार चढ़ा हुआ। अरे नहीं नहीं, प्लीज ऐसे मत कीजिए। सुनो 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 सुनो, अब क्या शर्माने का नाटक कर रहे हो? अगर मेरे पेट में तुम्हारा एक महीने का बच्चा नहीं होता तो ये शादी हमारी हरगिज नहीं होती और ये दिन कभी नहीं आता। मुंडी क्या हिला रहे हो? तुम ही तो कहते थे सुहाग रात तो सभी मनाते हैं, हम सुहाग दिन मनाएंगे। वैसे भी सुहाग रात तो तुम मना ही चुके हो। अब तुम मेरा घूंघट उठाते हो या मैं तुम्हारी पगड़ी उछालूं? जाता या एक दूं? लगता है शिवा घर पर नहीं है, अगर होता तो कबूतरों को दाना खिला रहा होता। कबूतर जा जा, अरे बाप रे, कबूतर जा। तो सलीम साहब, आज आप फिर पिट कर आ गए। कौन कौन कह रहा है? कौन पिट के आ रहा है? तेरी ये चाल बता रही है और गवाही दे रहा है तेरा ये थोबड़ा। ये वो क्या कि मैं दौड़ पे सड़क रहा था? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब मैं सड़क पर दौड़ रहा था और अचानक मेरा पैर फिसल गया। सलीम, कितनी बार कहा है तुझे ये सब छोड़ दे? अरे तुझे पैसे छीने एक बार बोलकर तो देख, पैसे मैं तोल कर रख दूंगा। जब तेरा दोस्त कमाता है तो खाने पीने की चिंता क्यों करता है? शिवा, मैं खुद मार खा कर रोटी खाता हूँ, किसी को मार कर रोटी नहीं खा सकता। ये सच है कि हम दोनों का बचपन एक साथ एक ही छत के नीचे गुजरा है। हमारा घर एक है शिवा, लेकिन रास्ते अलग अलग। ना मैं तेरे रास्ते पर चल सकता हूँ और ना तू मेरे रास्ते पर चल सकता है। मैं भी तेरे उन रास्तों पर नहीं चल सकता सलीम, जहाँ सारी दुनिया हमारे जैसे लोगों को ठोकर मारती है। ठोकर मारने वाले को अपने चाकू की नोक पर रखता हूँ मैं। जो दुनिया ने मुझे दिया वही उसे लौटा रहा हूँ। पर दोस्त, हर मसले और मुसीबत का छुटकारा चाकू की धार पर नहीं लिखा। बस बस, अब तू अपना भाषण बंद कर। तू अपने ढंग से जिंदगी जी और मुझे अपने ढंग से जीने दे। जो बात मेरे भेजे में घुस गई उसे निकालना बहुत मुश्किल है। अब तू जा, मुझे परेशान मत कर। तो चल, आज मैं तेरी सारी परेशानियां दूर कर देता हूँ। सलीम, तू मुझे बोर मत कर, तू निकल यहाँ से। तो चल ना मेरे साथ। अरे कहाँ चलूँ? वहाँ जहाँ जमीन पर जन्नत नजर आएगी, वहाँ। अरे साला, अच्छा तरीका है बाहर निकालने का। अरे तुम मेरे पीछे क्यों बढ़ी हो? क्या करूँ साला, अपना दिल आ गया है तेरे पे, लेकिन तू इतना भाव क्यों खाता है? सलीम, अरे रे रे रे। सलीम देख, मुझे ये मजाक पसंद नहीं है। मेरी बात तो सुन यार, मेरी बात तो सुन।
सुन यार, अरे मौका मिला है दिल लगाने का, लगा लेना, पूरी रात पड़ी है। सलीम सुबह से पहले न दरवाजा खुद खोलेगा न किसी को खोलने देगा। ए चुप! ए, 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 रोना नहीं, रोना नहीं, अरे चुप! कहाँ फंस गया यार, क्या करूं? क्या करूं, क्या करूं, क्या करते हैं रे? एक रोती हुई लड़की को चुप कराना भी नहीं आता है तेरे को? आज तक ये काम किया नहीं ना। ठीक है, मैं सिखाती हूँ। एक ग्लास पानी लेकर आ। ला ना। साला। पिला मुझे। अब जेब से रुमाल निकाल। मेरे आंसू पोंछ। मगर तुम्हारी आंख में आंसू है ही नहीं। पोंछ। अब मेरा हाथ पकड़। पकड़ यार। और कुछ? अपने गले से लगा ले। हाँ? गले से लगा ले ना साला। अरे अरे अरे। क्या हुआ, क्या हुआ? ये तुम हंस क्यों रही हो? तुम चीखी क्यों थी? चूहे को चाकू से नहीं डंडे से मारा जाता है। चूहा? कहाँ है चूहा? अरे चूहा! तुम हंसते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। अब सो जाओ। जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, अपनी मोहब्बत को अरमानों के कफन में लपेट कर यहीं दफन कर दो, वरना पछतावे के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। राख के ढेर में आग नहीं लगा करती पारो, भूल जाओ, भूल जाओ मुझे। आज के बाद मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं करूंगी। अच्छा तुम बरसों पहले अचानक कहां गायब हो गए थे? जो जुर्म बहुत पहले छोड़ दिया था वही जुर्म बरसों से मेरा पीछा कर रहा है, उसी से पीछा छुड़ाने के लिए मैं भागता रहा। अब जिंदगी का आखिरी वक्त करीब आ गया है, सोचता हूं मरने से पहले मुझ पर जो एक कर्ज है उसे चुका दूं। कर्ज? कैसा कर्ज? उस बच्चे का कर्ज जिसे मैं तुम्हारे हवाले कर गया था। वो बच्चा तो अब जवान हो गया है बादशाह, वो देखो इतना बड़ा हो गया है, ये अब तो कमाने भी लगा है, वेटर की नौकरी करता है। वेटर की नौकरी? इतने बड़े सेठ का बेटा नौकर? हेलो, हाँ मैं सेठ धनराज बोल रहा हूँ। सेठ जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है, मैं फौरन आपसे मिलना चाहता हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? बादशाह, जो आपकी खोई हुई खुशियां आपको लौटा सकता है। क्या? तुम जानते हो मेरा बेटा कहाँ है? अरे तो फिर मुझे बताओ ना मेरे बेटे के बारे में। मैं तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूंगा बादशाह, अपनी तमाम दौलत तमाम जायदाद तुम्हारे नाम लिख दूंगा, बस मुझे मेरा बेटा दे दो। एक और खास बात, जब तक मैं आपसे ना मिल लूं इस बात का किसी को पता ना चले। अरे हीरा, हीरा, एक खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी, हमारा बेटा, हमारा, देख तू किसी को बताना नहीं है, फिर बताऊंगा, हमारा बेटा जिंदा है। हाँ, पार्वती, ओ पार्वती, ओ पार्वती, क्या हुआ? अरे हमारा बेटा हमें मिल गया, हमारा खोया हुआ बेटा। ये क्या कह रहे हैं आप?
मैं सच कह रहा हूँ पार्वती, मैं सच कह रहा हूँ। अभी अभी फोन आया था, किसने किया था? अरे हाँ, वो अच्छा बादशाह, बादशाह ने फोन किया था। वो जानता है हमारा बेटा कहाँ है। हाँ, अरे मुझे नहीं, हीरा तू जा जल्दी से वॉचमैन को कह दे मुझे कोई भी मिलने आया उसे रोके नहीं, जल्दी से मेरे पास भेज दे। जा जा हीरा, जा जा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? 20 साल पहले मरा हुआ मुर्दा जमीन फाड़ कर बाहर निकल आया है, उसे दोबारा दफन करना है। बादशाह, मैंने जो तुझे 9 घंटे की मोहलत दी थी वो खत्म हो चुकी है। सुना था तू बड़ा सूरमा है, ये हत्थे पे वार करेगा। अगर सचमुच मर्द का बच्चा है तो एक चाकू मुझे भी दे दे। चाकू एक है मगर चलाएंगे हम दोनों। बुढ़ापे का जवानी से मुकाबला कभी नहीं होता शिवा, नजर कमजोर हो चुकी है मेरी। मुकाबला तो करना ही है बादशाह, चल बुढ़ापे और जवानी का फर्क भी मिटा देता हूं। सचमुच बड़ा अच्छा चाकू चलाता है, लेकिन याद रख ये चाकू बड़ा बेईमान होता है। ये चाकू नहीं, तू बेईमान है बादशाह। तूने हीरा से किसी का खून बहाने की कीमत लेकर भी उसका खून नहीं बहाया। किसका खून बहा था शिवा? एक दूध पीते मासूम बेगुनाह बच्चे का, जो अपने बचाव के लिए न भाग सकता था न चिल्ला सकता था। हाँ, मैं उसे मार नहीं गया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको मारना चाहा, उसने मेरी तरफ ऐसे मुस्कुरा कर देखा कि मेरा हाथ कांप गया, चाकू गिर गया। फिर चाकू मेरे हाथ से कभी नहीं उठ सका शिवा।
कभी नहीं उठ सका। एक बात जिंदगी भर याद रखना शिवा, बहादुरी चाकू उठाने में नहीं, उसे तोड़ देने में है। तोड़ दे इस चाकू को, तोड़ दे, वरना ये चाकू एक दिन तेरा भी साथ छोड़ देगा शिवा। जो बताया था समझ गए ना? गुड गुड, अभी आया। अरे बाल डाला रे, हाय गरीब को बाल डाला, हाय हाय, कोई है गरीब की सुनने वाला? मर गया गरीब, अरे बाल डाला। भाई साहब, ओ भाई साहब, कहीं चोट तो नहीं लगी? अबे अंधा हो गया क्या? सर से लेकर पांव तक जख्मी हो चुका हूँ और पूछ रहा कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे हाय मेरी माँ, मैं मर गया रे। नहीं नहीं बच्चा, लोग पुलिस को मत बुलाओ, मत बुलाओ। वैसे भी शक्ल से इतने शरीफ लोग लगते हैं, पुलिस आ जाएगी तो इनसे बहुत लंबा तोड़ पानी कर लेगी ना। सेठ जी, सेठ जी, आप मुझे कुछ दवा पानी के पैसे दे दीजिए। सेठ जी से क्या बात करता है, मुझसे बात कर। साला सूट पहन लिया तो ड्राइवर से मालिक बन गया क्या? ड्राइवर का बच्चा ड्राइवर है, ड्राइवर ही रहेगा। और वैसे भी ऐसे भाड़े के सूट मैंने बहुत पहन लिया, ड्राइवर की औलाद। सेठ जी, अगर मैं गरीब ना होता तो आपसे कभी अस्पताल का खर्चा भी नहीं मांगता। चले 100 रुपए ले, चल। अबे हट, भिखारी समझ रखा है क्या? 100 रुपए में तो डॉक्टर जख्मी को हाथ भी नहीं लगाता है। सेठ जी, मुझे कम से कम 1000 रुपए तो दे दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये लो 1000 रुपए भैया। सेठ जी, अरे तुम चुप रहो ना, ये लो 1000 रुपया, चलो चलो चलो। ये लो बच्चो, ऐश करो, चॉकलेट खाओ। हमें 1 रुपया, खुद 1000 रुपया। अबे दूंगा 1, तुम लोगों ने किया ही क्या है, खाली बकरों की तरह चिल्लाए खून खून। जान तो खतरे में मैंने डाली, कहीं पैंतरा उल्टा सुल्टा पड़ जाता तो लेने के देने पड़ जाते, पूरी की पूरी गाड़ी मुझ पर चढ़ जाती। और तुम लोग बात कर रहे हो। बात तो सही कह रहे हो भैया, अब आप ही समझाओ ना इन बच्चों को। मैं भी भागता हूँ। अरे तुम कहाँ खिसक रहे हो, पुलिस स्टेशन नहीं चलोगे बेटे? नहीं सेठ जी, आप ये पैसे वापस रख लीजिए, आप तो मेरे भी बाप निकले। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, लेकिन हाँ तुम्हें तुम्हारे बाप से जरूर मिलवा सकता हूँ, अच्छी एक्टिंग करते हो, आओ मेरे साथ। कहाँ? अरे आओ ना बेटे, अरे आओ ना। ले जा रहा हूँ, मैंने तो पैसे भी वापस कर दिए। लेकिन हीरा, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि ये मेरा बेटा है? बापू मैं आप ही का बेटा हूँ। रो मत रो मत, मैं बताता हूँ। सेठ जी, आपका हीरा कोई ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं है, बहुत ठोक बजा कर लाया हूँ इसे। बादशाह बेचारा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले आपके बेटे को मुझसे मिलाने का नेक काम कर गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बेटा दिखाओ अपने पिताजी को। क्या निशानी, निशानी? हाँ हाँ। ये देखिए सेठ जी, क्या ये वही लॉकेट नहीं जो आज से 20 साल पहले आपने अपने हाथों से अपने बेटे के गले में डाला था? पार्वती, ओ पार्वती जी। देख पार्वती, 20 साल बाद हमारा खोया हुआ बेटा मिल गया। ये हमारा मुन्ना है। हाँ। क्या? मैं ही तुम्हारा बदनसीब मुन्ना हूँ। बेटा, मेरा बेटा, कहाँ था तू इतने दिन? बंबई की झोपड़पट्टियों में और किस हाल में था ये मत पूछेगा। बेटे, पिताजी, बेटे, बेटे। अबे चल बाहर निकल। अरे मुझे मत मारो, अंधा हो गया क्या? अरे अरे मारो मत, मारो मत, मैं हूँ सलीम, सलीम। अबे सलीम तू, और इस गाड़ी में, ये गाड़ी कहाँ से मारी? अरे मारी नहीं, ये गाड़ी मेरी है, मेरी है, मेरी है। क्या? हाँ ये सब तकदीर का चक्कर है मेरे दोस्त। साले तेरी तकदीर तो पैदा होते ही फूट गई थी, तू स्मगलिंग तो नहीं करने लगा? स्मगलिंग नहीं, लेकिन एक्टिंग जरूर करने लगा हूँ। एक मिस्टर हीरा ने मुझे 1 करोड़पति सेठ का नकली बेटा बना दिया। उस सेठ का बेटा बचपन में खो गया था, वही बेटा बनाकर हीरा ने मुझे उसके सामने खड़ा कर दिया। वैसे शिवा, मुझे तो लगता है उनके असली बेटे को हीरा ने ही गायब किया। खैर अपना क्या लेना देना, अपने को तो अच्छा खाना मिलता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं, और घूमने के लिए इतनी बढ़िया गाड़ी मिलती है, और रहने के लिए काली कोठरी भी मिलेगी। अबे तू इस हीरा को नहीं जानता, एक नंबर का हरामी है ये। जो तू सूट पहनकर आया ना, कुछ रहने नहीं वाला,
सिर्फ चड्डी रह जाएगी। अरे तो फिर तू मुझे कहाँ जानता है, मैं तो हीरा की चड्डी तक उतार दूंगा। अरे जाता कहाँ है, आज तो मेरी जैकपॉट लग गई है, चलता है माल वाल उड़ाने उस जन्नत में। अबे साले तू नहीं सुधरेगा। आइए हुजूर, आइए तशरीफ लाइए, हसीनों का मेला। हेलो मौसी। अरे सलीम ये तू है? ओह यस मौसी, दिस सलीम लकम स्टार चेंज। क्या 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 बोला रे? इसका मतलब ये है कि आजकल तुम्हारे सलीम का किस्मत का सितारा बदल गया। अरे ये लो मौसी पैसे, चलो चले लड़की। एक मिनट पारो कहाँ है? क्या बात, खबरदार हाथ मत लगाना। हाथ नहीं तो क्या मुंह लगाऊं? शिवा शिवा शिवा, मौसी ने पारो को बेच दिया। तो मैं क्या करूं? अरे कुछ कर उसे बचा ले, वरना वो लोग उसकी इज्जत नीलाम कर देंगे। अरे मैंने क्या उसकी इज्जत का ठेका लिया जो उसे बचाने जाऊं? शिवा क्या हो गया तुझे, आज तू कैसी बातें कर रहा है? कैसी बात का मतलब? अरे ना तो वो द्रौपदी नामक कृष्ण जो उसकी इज्जत बचाऊं, जा मेरा भेजा मत खा। एक मिनट शिवा। अच्छा हुआ आज मेरी आंखों के सामने से गलतफहमी का पर्दा हटा दिया तूने। अरे तू क्या जाने इज्जत क्या होती है, आज तक तूने लोगों को बेइज्जत ही किया है। माफ करना पारो, ये हीरों के व्यापारी हैं, इसलिए हीरे को करीब से देखने की इनकी आदत है। शिवा ये कपड़ा जो तू अपने सर पर बांधता है ना, जिसे तू अपना कफन कहता है, अरे जिस दिन तू मरेगा ये कफन तेरी लाश को जरूर ढाक देगा, लेकिन तेरे गुनाहों को कभी नहीं ढाक पाएगा। औरत की इज्जत बचाने से बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है शिवा। अगर मुझे पुण्य नहीं पैसा कमाना है तो फिर दुनिया सच कहती थी कि तू नहीं अपनी माँ का खून। सलीम, हाँ। तुझे पैसे कमाने का बहुत शौक है ना, शायद किसी ने तुझे पैसे दिए होंगे अपनी ही माँ का खून करने। सलीम, मैंने अपनी माँ का खून किया, कोई बेटा अपनी माँ का खून कर सकता है? कोई बेटा अपनी माँ का खून कर सकता है? मार लिया, अगर तू नहीं मारेगा अपने दोस्त को तो कौन मारेगा? चल आज थूक दे दुनिया की जुबान पर, बचा ले एक औरत की इज्जत को। अरे दुनिया माने या ना माने, तेरा यह सलीम जरूर मानेगा कि तू अपनी मां का कातिल नहीं है। कौन है? शाबाश दल्ले, तू मार खा रहा है। अच्छा एक बात बता, ये पैसे तेरे हैं? हरामजादे, तू आदमी है या जानवर है? मैंने तुझे कहा था कि मेहमानों को खुश करना है, इसका मतलब यह नहीं कि जबरदस्ती। जब पारो जी धंधा नहीं करना चाहती तो इन्हें उठाने की क्या जरूरत थी? शिवा मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूं, वैसे भी तुम इनके किए की सजा तो दे ही चुके हो, तीन बेहोश हैं और ये सारा बेहोश होने वाला है। अब उल्लू के पट्टे माफी मांग। मुझे माफ कर दो शिवा। माफ कर दो, ताला बेहोश हो गया शिवा।
क्या बेटा? पाए लागू बाबू जी, देखिए आपके लिए नया चश्मा लाया हूँ। अरे नया लाने की क्या जरूरत थी, उसी को बनवा देता। बाबूजी वो बहुत पुराना हो गया था और एकदम खराब। देख माँ, देख तेरे लिए साड़ी लाया। अरे बेटा क्यों बेवजह फजूल खर्ची किया करता है, हर महीने की पहली तारीख को सबके लिए कुछ न कुछ लाता रहता है। बेटा कभी अपने लिए भी तो कुछ खरीदा कर। अरे माँ मैं ठहरा मजदूर आदमी, सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, दो दो यूनिफॉर्म तो है और क्या करना है। अरे पहनने घूमने की उम्र तो जूही की है। ए जूही, जूही देख देख तेरे लिए क्या लाया हूँ देख। अरे वाह ड्रेस तो बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा ज्यादा रोमांटिक मत बनो, लाओ मेरे हाथ में तनख्वाह दो। अरे भाई ये लो, इसमें से जूही के कॉलेज की फीस अलग कर देना। अच्छा बाबूजी की ऐनक लाए? लाया मेरी जान, मगर हर बार की तरह इस बार भी तेरे लिए कुछ नहीं ला सका। सब कुछ तो है मेरे पास, तुम तुम्हारा प्यार और क्या चाहिए। अच्छा सुनो मुन्नी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ बापू। अरे मेरी मुन्नी आ जा 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 जा। क्या लाए हो बापू? अरे कैसी चीज लाए जो देखोगे तो नाच उठोगी। मैं कैसे देखूं बापू? मुन्नी, मुन्नी तू देख सकेगी। अगले महीने की पहली तारीख को मैं तेरी आंखों के डॉक्टर को एडवांस दे दूंगा, हाँ? और तेरे बर्थडे से पहले तेरा ऑपरेशन हो जाएगा और तू तू सब कुछ देख सकेगी, सब कुछ देख सकेगी। सच बापू मैं देखने लगूंगी। हाँ बेटे फिर मैं सबको देखने लगूंगी ना, आपको माँ को दीदी को दादा दादी को और सबको देखने लगूंगी ना। हाँ बेटी तो सबको देखने लगेगी, सबको देखने लगेगी, माँ को मुझको दादा दादी को सबको देखने लगेगी मेरी बेटी। डॉक्टर साहब नमस्ते, तुम्हीं से मिलने आया हूँ सत्य प्रकाश। मुझसे? हाँ। कोई खास काम? तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। खुशखबरी? हाँ, आंखों के जिस एक्सपर्ट डॉक्टर का मैंने तुमसे जिक्र किया था वो आ गए हैं। तुम चाहो तो कल तुम्हारी बेटी की आंखों का ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब उसके लिए तो 50,000 रुपए की जरूरत है। उसकी फिक्र तुम क्यों करते हो,
तुम सिर्फ ये कहो बच्ची की आंखों का ऑपरेशन करवाना चाहते हो। ये भी कोई पूछने की बात है डॉक्टर साहब? मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा भाई? इसमें एहसान वैसान वाली कोई बात नहीं भाई। मेरा नाम हीरा है, अपने नाम की तरह मैं बिल्कुल हीरा हूं। दोस्त बनकर जो मुझे अपने गले लगा लेता है मैं उसकी शोभा बढ़ा देता हूँ। खैर मैं ये कह रहा था कि हम तुम्हारी अंधी बच्ची की आंखों की रोशनी वापस दिलवा रहे हैं, तो बदले में जब कभी हमारा माल यहाँ से गुजरे तो तुम अपनी आंखें बंद कर लेना। ड्यूटी पर मेरी आंखें सिर्फ मौत ही बंद कर सकती है। भाई अच्छा हुआ तुम घर पर ही मिल गए। एक आदमी को उड़ाना है। पिछली बार हीरा सेठ तुमने मुझे बादशाह को मारने की सुपारी दी थी और बादशाह के आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो हीरा सेठ। बादशाह ने मुझे मरते वक्त कहा था कि तुमने उसे एक बच्चे को मारने के लिए पैसे दिए थे और वो इसलिए नहीं मार सका क्योंकि उसे उस पर दया आ गई। अरे ऐसी कोई बात नहीं है शिवा, बच्चों से तो मुझे भी लगाव है। वो साला झूठ बोल रहा था, वो तो पैदाइशी गद्दार था। मेरी बात का यकीन करो। अब किसे मारना है? सत्य प्रकाश को, गोदी में काम करता है। इसके आगे पीछे भी कोई रोने वाला नहीं है, बिल्कुल अकेला है। एक मिनट, सत्य प्रकाश। मुन्नी फाइल देना बेटी। नहीं पहले पप्पी। ओहो हम तो भूल गए, अब फाइल दे दो। पप्पू आपको याद है ना आज पहली तारीख है, आपने मुझसे क्या वादा किया था? अरे हाँ याद है, अच्छी तरह याद है। आज शाम को मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, उसे अपॉइंटमेंट लूंगा और वादे के मुताबिक तुम्हारे बर्थडे से पहले तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा सब। अच्छा बेटी एक बात बताओ, सबसे पहले तुम किसे देखना चाहोगी? मुझे देखेगी और किसे? नहीं माँ मैं सबसे पहले पापू को देखूंगी। मेरी बिटिया है। अच्छा माँ, अच्छा बाबूजी। जी तेरा। बापू सेहत का ख्याल रखना, आते वक्त दवाई ले आऊंगा आपके लिए। हाँ अरे जूही कहाँ है? जूही। हाँ भैया। अरे अंदर क्या कर रही है तू? कॉलेज वॉलेज नहीं जाना है? जाऊंगी भैया। अरे क्या हो गया है तुझे? ए जानकी क्या हो गया ऐसे? कुछ दिनों से देख रहा हूँ बड़ी चुप चुप सी गुम सुम सी रहने लगी है। ये आपको किसी से मिलाना चाहती है। अच्छा उससे? तेरी भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया। आज मिल लेते, 7 बजे मेरी ड्यूटी खत्म होती है, 7 बजे उसे गोदी पर भेज देना। है सारी बातें कर लूंगा। थैंक यू भैया, बाय। अरे 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 शैतान, मैंने तेरे भैया से बात की और तू मुझे थैंक यू भी नहीं बोलेगी? सॉरी भाभी, थैंक यू। सत्य प्रकाश। कौन हो तुम? इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? तुम कुछ लोगों के काम में रुकावट बन रहे हो, इसलिए मेरे चाकू ने तुम्हारे खून को चखने की कीमत ले ली है। चाकू तो बेजुबान होते हैं, उनके नाम पर खून बहाने की कीमत तुम जैसे दरिंदे। बकवास बंद करो, 9 घंटे की मोहलत देता हूं। अपनी जान बचाने के लिए जो कुछ कर सकते हो कर लो सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश सच्चाई का रखवाला है, वो तुम जैसे किराए के कातिलों से नहीं डरता जो खून में डूबी हुई रोटियां खाते हैं। खामोश हो जाओ सत्य प्रकाश, वरना आज मेरा असूल टूट जाएगा। मैंने तुम्हें 9 घंटे जीने की मोहलत दी है। लेकिन मैं तुझे 9 घंटे की मोहलत नहीं दूंगा। सत्य तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। सुनो ये किस
गुस्से के हमला आपके ऊपर। आपको कुछ नहीं होगा, घबराइए मत, मैं भी डॉक्टर को लेके आता हूँ, अभी लेके आता। नहीं नहीं, अरे कोई है? चौकीदार चौकीदार, अरे कोई है? देखिए भाई साहब, किसी ने हमला कर दिया, आ हॉस्पिटल ले चले। अरे खून, अरे खून कर दिया इसने, खून कर दिया, अरे खून कर दिया, खून, अरे इसने साहब का खून कर दिया। मेरे को लेके आइए, मैं खून नहीं हूँ, बुलाओ पुलिस को, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ पुलिस को, पकड़ो पकड़ो, जान ना पाए। अरे अरे, कौन हो तुम? कहाँ घुसे चले आ रहे हो? देखिए, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, भगवान की सौगंध में निर्दोष हूँ। तो मैं क्या करूँ? मुझे थोड़ी सी जगह दे दी छुपने के लिए, पुलिस चली जाएगी तो मैं भी चला जाऊंगा। देखिए, मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ, अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो मेरे बाबा भूख और सदमे से मर जाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अच्छा उठो उठो, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, मुझे बचा लीजिए प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम वहां अंदर छुप जाओ। कौन था बाबू, किससे बातें कर रही थी? कोई अजनबी है बाबूजी। अजनबी? कौन अजनबी? पता नहीं, पुलिस उसके पीछे पड़ी है, लेकिन मुझे तो लगता है वो बेचारा किसी का खून नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसे वहां। ओहो भाभी, तुम बहुत भोली हो, मैं देखती हूँ कौन है वो बेकसूर। तुम ठहरो भाभी, मैं देखती हूँ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? एक मुजरिम खून करके भागा है, कहीं वो यहाँ तो नहीं आया? यहाँ कैसे आएगा, आखिर ये भी तो एक सिक्योरिटी ऑफिसर का घर है। सॉरी, मैंने आप लोगों को परेशान किया। ये तस्वीर किसकी है? मेरे पति की। क्यों इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? मुझे दुख के साथ बताना पड़ रहा है, वो खूनी इन्हीं का कत्ल करके भागा है। ये क्या अनर्थ किया? भैया का खूनी उस कमरे में छुपा, इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए उसे। लगता है भाग गया, चलो। दादाजी दादाजी दादाजी। हाँ बेटा। क्या हुआ दादाजी, आप रो रहे हैं? बेटा, तेरा बापू हमें छोड़कर इतनी दूर चला गया, क्या वापस लौट कर नहीं आएगा? माँ माँ माँ, देखिए ना दादाजी क्या बोल रहे हैं, रो भी रहे हैं, झूठ बोलते हैं। बापू मेरे आंखों का इलाज कराए बगैर कहाँ जा सकते हैं, बस अभी आते ही होंगे। तुम इसलिए नहीं रो रही हो ना माँ? माँ मैं देख नहीं सकती, तुम मुझे छुपकर तो नहीं रो रही हो? ये एक विधवा की हाय है जिसने इस घर की खुशियां बर्बाद की है, भगवान उसे चैन से मरने भी न दे, मरने भी न दे। वाह बेटा वाह, सेंट लगा रहे हो, अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना सर पर तेल लगाया है? नहीं अंकल, वही कसर तो मैं पूरी कर रहा हूँ। अच्छा जल्दी से 5,000 रुपया निकालिए। 5,000? क्यों नहीं 5,000। अबे सड़क छाप, अपनी औकात मत भूल। मतलब औकात पर आ जाऊं, जो कपड़े पहन कर आया था वही पहन के निकल जाऊं? अरे रुक जा, तू दामादों की तरह बात बात में बुरा क्यों मान जाता है? मेरा क्या, तेरे बाप के पैसे दिल उड़ा। थैंक्स यू। पर ये तो बता, इतने रुपयों का तू करेगा क्या?
तोहफा खरीद कर दूंगा। तोहफा? इतना महंगा किसके लिए? आप ही ने तो आदत खराब करके रखी है उसकी। 5000 से कम का तोहफा तो पसंद ही नहीं है आपकी बेटी को। हरामजादी! क्या कहा? मेरा मतलब है मेरे बेटे, तू मेरी बेटी को क्यों फंसा रहा है? अरे भूत प्रेत भी सात घर छोड़ देते हैं। अंकल, भूत प्रेत ही तो सात घर छोड़ते हैं, इंसान तो घर में ही नजर रखता है। ओ संभल के कामनी, संभल के, जब ठोकर तुम्हें लगती है तो चोट मुझे लगती है। इधर आओ। देखो रवि, मैं तुमसे एक बात साफ साफ कह देना चाहती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं जानता हूँ तुम प्यार करती हो तो मुझसे, लेकिन प्लीज अपनी जुबान से मत कहना, मेरा छोटा सा दिल इतनी बड़ी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें? तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। तोहफा दिलाऊंगा, अपनी बड़ी गाड़ी में घुमाऊंगा, आलीशान होटल में खाना खिलाऊंगा। यकीन नहीं आता तो ये देखो, तुम्हारे कंजूस बाप के रुपए। क्या? मेरा मतलब है रुपए तो मेरे ही बाप के हैं, लेकिन रहते हैं तुम्हारे बाप के जेब में। चलो ना कामनी। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ओफो, चली भी जाओ, क्यों दिल तोड़ती हो हमारे बेटे का? देखो बेटी, मेरे बच्चे ने पता नहीं कितने दुख उठाए हैं, तुम्हारे साथ रहता है ना बड़ा खुश रहता है। जाओ बेटी। आप भी कहो ना अंकल। चलो, बाय मम, बाय डैड, बाय अंकल। मिसेस सत्यप्रकाश, यही है, यही है, इसी ने मेरे पति का खून किया है। तुमने मेरे भाई का खून किया? नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत। तुम खूनी हो, वैशी दरिंदे हो, हत्यारे हो। तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए, खूनी हो तुम, खूनी, खूनी। ना! मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया, मैं खूनी नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ, मैंने खून नहीं किया। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? ये क्या कह रहा है तू? हैं? बता ना क्या कह रहा है तू? कुछ नहीं बता, कुछ नहीं। एक एक बुरा सपना देखा था। आप सब ठीक? दादाजी, दादाजी। हाँ बेटे, मैं यहाँ हूँ, आ जा, आ जा, आ जा। क्या हुआ बेटे? दादाजी, मुझे बहुत भूख लगी है, कल से माँ ने मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। बापू आएंगे ना तो उनसे मैं माँ की शिकायत करूँगी। ऐसा नहीं कहते बेटे, तू अंदर जाके बैठ, मैं अभी तेरे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। जल्दी लाना दादाजी। जल्दी लाऊंगा बेटे। वहां से लाकर दोगी उसे? घर में तो कुछ भी नहीं है, इतने दिनों से छोटी मोटी चीजें बेचकर ही तो घर चल रहा था, मगर अब तो बेचने को भी कुछ नहीं रहा। इसे बेच दीजिए बाबूजी। ये क्या कह रही हो बहू, मंगलसूत्र बेचोगी? नहीं नहीं, पागल हो गई हो क्या? यही तो एक आखिरी निशानी है उसकी। उनकी आखिरी निशानी ये नहीं बाबूजी, मुन्नी है। अगर मुन्नी को कुछ हो गया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? भूख लगने पर ये रोटी तो नहीं बन सकता बाबूजी, इसे बेच दीजिए। नहीं बहू, इसे रहने दो। सत्य के एक साथी ने मुझे गोदी में एक चौकीदार की टेम्पररी नौकरी दिलाने का वायदा किया है, जाकर उससे मिलता हूँ, भला आदमी है, शायद कुछ एडवांस भी दिला दे। कौन है भाई, कम से कम रात को तो आराम से सोने दिया करो। सोने का इतना ही शौक है हीरा तो कहो, ऐसी नींद सुला दूं कि दोबारा कभी जाग ही ना सको। अरे बलवंत, तुम? हाँ मैं। भाई सिंगापुर से लौटा तो पता चला कि तुमने सत्य प्रकाश का राम नाम सत्य कर दिया है, खुशी हुई है जानकर? अरे तुम खुश हुए तो हमारे लिए समझो भगवान खुश हो गया। मैं इतने बरसों से हांगकांग में सिर्फ खुश होने के लिए नहीं बैठा हूं, मुझे 24 घंटे सिर्फ नोट दिखाई देते हैं। नोट? और से सुनो, हमारा 50 करोड़ का कंसाइनमेंट 2 दिन में बॉम्बे पहुंचने वाला है। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, गोदी के सारे आदमी समझो तुम्हारे मुलाजिम है बस। अगर फिर कोई ईमानदार दीवार बनकर खड़ा हो जाए तो उसे भी मिटा देना, और जब बात तुम्हारे हाथ से निकलने लगे
तो हमें फौरन खबर कर देना, समझे? कर दूंगा खबर। अब कोई माइकालाल केंकड़ा बनकर मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। बिल्ला, जहां भी अपनी बेटियां पड़ी हैं आराम से निकाल ले, कोई रोक टोक नहीं है, यहां कोई आने वाला भी नहीं है। क्यों भाई, क्या हो रहा है ये सब? आवाज मत करो बाबा, ये सब बड़े खतरनाक गुंडे मवाली हैं, जान से जाओगे। मतलब कि जान के डर से तुम इन गुंडे मवालियों को सारा गैर कानूनी माल ले जाने दोगे? अरे कैसे चौकीदार हो तुम? मैंने कहा ना आवाज मत करो। चुप रहो, मैं मौत से नहीं डरता। जल्दी करो, भागो, कोई आ रहा है। सत्य प्रकाश के बाद ऐसा कौन सा हराम ज्यादा पैदा हो गया जो ईमानदारी की सीटी बजा रहा है? यही तो समझ में नहीं आ रहा हीरा सेठ। सारी बातें तय हो चुकी थी, हम सारा रास्ता साफ करवा चुके थे, मगर पता नहीं किसने ये सब गड़बड़ कर दी। जो भी आदमी है, मैं नहीं चाहता दोबारा सीटी बजाने के लिए जिंदा बचे। शिवा को फौरन वहां भेजो। कौन है भाई, कौन चाहिए? मुझे विशंबरनाथ से मिलना है। हाँ हाँ बोलिए, मैं ही विशंबरनाथ हूँ। मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, कौन हो तुम? मैं वो कहीं तुम्हें बड़े साहब ने तो नहीं भेजा यहाँ नौकरी के लिए? हाँ बड़े साहब ने भेजा। अरे तुमने तो मुझे चौंका ही दिया, मैं खाना खाने बैठा ही था कि तुम्हारी आहट सुनी, मैं तो डर गया, मुझे लगा कि तुम भी वही हो जो यहाँ मारपीट करने आते हैं। आओ चलो वहां बैठ के बातचीत करते हैं। आओ आओ ना भाई, बैठो 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 भाई। लो खाना खाओ। लो भाई खाना घर का है, लो। मैं क्यों रूखी सूखी है इसलिए? क्या करूं बेटा, भगवान ने इस बूढ़े को बेसहारा कर दिया। हमारा बेटा यही नौकरी करता था, मार डाला किसी जालिम ने उसे, सत्य प्रकाश नाम था उसका। उस हत्यारे ने एक मां की गोद ही नहीं उजाड़ी, एक सुहागन को भी विधवा कर दिया। जवान बहन और मासूम बच्ची का सहारा भी छीन लिया। खैर मेरी इन बातों से तुम्हें क्या लेना देना, खाना खाओ। अरे कहां गए? ये क्या लगा रही हो? दुर्गा माँ की तस्वीर। यहाँ कोई तस्वीर अस्वीर नहीं लगानी, इस घर की दीवारों को वीरान रहने की आदत है। शिवा ये भगवान की तस्वीर है, वो घर घर नहीं होता जहाँ मंदिर न हो। मुझे किसी मंदिर में रहने का शौक नहीं है, निकालो इस तस्वीर को और बाहर फेंक दो। ऐसा सोचना भी पाप है शिवा। तुम और तुम्हारा भगवान कान खोल कर सुन लो, मेरा पाप और पुण्य से कोई वास्ता नहीं, जिस चीज को मैं जानता नहीं उसे मैं मानता नहीं, बाहर फेंक दो उस तस्वीर को। शिवा भगवान की तस्वीर तो उन कोठों पर भी होती है जहाँ औरत की इज्जत नीलाम होती है, उनमें और तुम्हें इतना फर्क है, उनका जमीर मर चुका है पर तुम्हारे अंदर जमीर है अभी तक, और जिस दिन तुम्हारा ईमान तुम्हारा जमीर जागेगा भगवान को जानने भी लगोगे और मानने भी लगोगे। मुझे हर उस चीज से नफरत है जो जमीर नाम की चिड़िया को पर मारने का मौका दे। जमीर इंसान को अमीर नहीं बना सकता, लेकिन तुम्हारा यह भगवान उसे गरीब और उससे भी बदतर बदनसीब का रूप बना सकता है। मैं इन दीवारों पे ऐसी कोई चीज देखना नहीं चाहता जो इंसान ने ढोंग के लिए बनाई हो।
नहीं शिवा। और हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं शिवा नहीं। हट जाओ मेरे रास्ते से। मेरी बात तो सुनो। मैं कहता हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से। गायब हो गए थे तुम। पहली बार तुमने सुपारी लेकर अपना काम पूरा नहीं किया। मैंने अपना काम पूरा कर दिया। झूठ बोलते हो तुम। झूठ तुम बोलते हो। सत्य प्रकाश का खून करवाते वक्त तुमने कहा था कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। कहा था ना? मगर वो बूढ़ा चौकीदार जिसका तुम खून करवाना चाहते थे वो उसका बाप है और वो उसी दिन मर गया था जिस दिन मैंने उसके बेटे सत्य प्रकाश को खत्म कर दिया। ना सिर्फ उसका बाप, उसकी माँ, बीवी, बहन, बच्चे सब खत्म हो चुके थे। जाओ जाकर देखो, जिंदा लाशों की तरह घूम रहे, शमशान हो गया उनका घर। हीरा सेठ, तुमने एक चाकू से छह खून करवाए मुझसे, छह जिंदगानियां खत्म करवा दी। शिवा, आज तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो और एक पेशेवर मुजरिम के लिए मोड़ बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये मोड़ मेरे लिए खतरनाक साबित हो चुका है। मेरे बाकी के रुपए दे दे, वरना ये मोड़ मुझसे ज्यादा तेरे लिए खतरनाक साबित होगा। बाकी के रुपए? हाँ, बाकी के रुपए। तूने मुझे सिर्फ एक आदमी को मारने के पैसे दिए थे, बाकी पांचों की मौत के पैसे भी तुझे ही देने पड़ेंगे। क्या बकवास कर रहा है ये? दिमाग तो नहीं खराब हो गया इसका? मैं तुम्हें एक कौड़ी नहीं दूंगा, जाओ भाग यहां से। सुपारी का पैसा खा जाने वाले को शिवा सुपारी की तरह खा जाता है। एक और खून करना पड़ेगा मुझे। तेरे इस विलायती पिस्तौल से ज्यादा दम है इस हिंदुस्तानी चाकू में। बोल अपने चमचे से, जाकर 2 लाख रुपए ले आए, वरना 2 लाख रुपए लेकर आओ जल्दी। रुक जाओ, ये पिस्तौल मुझे दो। शिवा, हमसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, इतना याद रखना। सस्ती पड़ेगी हीरा सेठ, वरना तुम्हारे साथ दोस्ती रख के और ना मालूम कितने बेगुनाहों का खून बहाना पड़ेगा। और ये नीच काम मैं पहले ही छोड़ चुका हूं। सत्य प्रकाश के खून के इल्जाम में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। योर ऑनर, ये केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है। मुलजिम शिवा ने 22 मार्च की रात कोदी के सिक्योरिटी ऑफिसर सत्य प्रकाश का खून किया और फरार हो गया। मैं अदालत में इंस्पेक्टर लाल को बुलाने की इजाजत चाहूंगा, जो मौके वारदात के चश्मदीद गवाह है। इजाजत है। इंस्पेक्टर लाल, 22 मार्च की रात जब गोदी के ऑफिसर सत्य प्रकाश की हत्या हुई, आपने मौके वारदात पर पहुंचकर क्या देखा? सिक्योरिटी ऑफिसर सत्य प्रकाश के खून से लथपथ लाश और मुजरिम को गुनाह करके भागते हुए देखा। और उसके बाद? मैंने मुजरिम का पीछा किया, पर मुजरिम पुलिस को चकमा देकर भाग गया। ये बात आप दावे से कैसे कह सकते हैं कि वो शिवा ही था और कोई नहीं? मुजरिम शिवा का कदकाठी हूबहू उसी से मिलती है जिसका मैंने पीछा किया। बल्कि यूं कहिए योर ऑनर, वो शिवा ही था। गहराई से छानबीन करने के बाद ये पता चला है कि शिवा सुपारी लेकर खून करता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि खूनी शिवा के अलावा और कोई नहीं। थैंक यू इंस्पेक्टर। योर ऑनर, सुपारी लेकर खून करने वाला ये एक पेशेवर हत्यारा है, एक खतरनाक हैवान है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इसे इतनी सख्त सजा दी जाए कि हर पेशेवर हत्यारा किसी का कत्ल करने से पहले कांप उठे। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुलजिम शिवा, तुम्हारा कोई वकील है?
नहीं, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मुलजिम की खामोशी ये जाहिर करती है कि वो अपना गुनाह कबूल करता है, इसलिए ये अदालत ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत सत्यप्रकाश के कत्ल के जुर्म में शिवा को मुजरिम करार देते हुए ये अदालत सजाए। रुक जाइए जज साहब। आप कौन हैं? मैं सत्यप्रकाश जी की बेवा हूँ, जिनके कत्ल का केस यहाँ चल रहा है। आपको जो कुछ कहना है कटहरे में आकर कहिए। योर ऑनर, 22 मार्च की रात को मेरे पति का कत्ल करने के बाद इत्तेफाक से कातिल हमारे ही घर में घुस आया। अनजाने में मैंने उसे अपने घर में छुपने की जगह दी। जब इंस्पेक्टर लाल आए और उन्होंने ये बताया कि मेरे ही पति का खून हुआ है, तो ये सुनकर मुजरिम फरार हो गया। इंस्पेक्टर लाल, क्या ये सच है? यस योर ऑनर। योर ऑनर, अगर दुनिया में किसी ने कातिल की शक्ल देखी है तो वो मैंने, और मैं उस कातिल को करोड़ों में पहचान सकती हूँ। शिवा मेरे पति का कातिल नहीं है योर ऑनर, वो तो एक देवता है। वो बिल्कुल बेगुनाह है योर ऑनर, बिल्कुल बेगुनाह है। सत्य प्रकाश की पत्नी की गवाही ने इस केस को नया मोड़ दे दिया है, क्योंकि असली मुजरिम को सिर्फ इन्होंने देखा है और यही उसे पहचानती हैं। इसलिए यह अदालत इस केस को खारिज करते हुए शिवा को बाइज्जत बरी करती है और साथ ही साथ पुलिस को ताकीद करती है कि असली मुजरिम को अदालत में जल्द से जल्द पेश करे। बहुत चाल चल ली तूने हीरा, अगर फिर कोई चाल चली तो मैं तुझे जिंदा रहने के लिए 9 सेकंड की मोहलत भी नहीं दूंगा, और तेरे आगे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं रहेगा। गाड़ी स्टार्ट कर वरना एक झटके में सर धड़ से अलग कर दूंगा। तुम हो कौन? तेरे हरामी बाप का बाप हूँ। तुम चाहते क्या हो? पहले जगह पर पहुंचना, उसके बाद तेरे बाप का कर्जा सूद समेत वापस लौटाना। चला गाड़ी। कामनी, ओ मेरी कामनी। रवि! कौन? गाड़ी चला वरना जबान काट कर तेरे हाथ में रख दूंगा। चल गाड़ी चला। यहाँ तेरी चीख जंगल के जानवरों तक को सुनाई नहीं देगी। चल। देखो तुम मेरे सारे जेवर, सारे रुपए रख लो और जाने दो मुझे, प्लीज। नहीं, प्लीज नहीं। रवि, रवि, आज अगर तुम ना आते तो तुम्हें मेरा मरा हुआ मुंह देखना पड़ता। ऐसा मत कहो कामिनी, ये तो मेरा पर्स था,
मैं कहती हूँ, आज तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। आज फर्ज और एहसान की चार दीवारें तोड़कर मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ रवि। मैं तुम्हें उतना ही चाहती हूँ जितना कि तुम मुझे चाहते हो। I love you, रवि। I love you. शिवा मुझे मत मार, अरे मैं बीमार हो जाऊंगा। अरे सुन, मैंने तुझे गलती से इतने जोर से ठोक दिया, मुझे माफ कर दे। साले उस वक्त मेरा छापड़ पड़ जाता ना तो तेरे बाल की खाल मेरे हाथ में आ जाती। अरे मेरी क्या मजाल कि तुझ जैसे महान गुंडे की इजाजत के बगैर मैं तेरी मूंछ के बाल से भी खेल सकूं। दोस्त, आज तूने मेरी मोहब्बत, मेरे प्यार को हक दिलाने के लिए मेरे हाथों मार खाई। अब आगे बता करना क्या है। लड़की तो अब तेरे हाथ में है, अब उसी लड़की के जरिए उसके बाप की जान तू अपने मुट्ठी में कर ले। मतलब शादी बाद में करना, पहले फटाफट उस लड़की से मंगनी कर ले। हाँ, मैं भी जाता हूँ। लेकिन बेटा रवि, देखो मम्मी, देखो डैडी, मैं झूठी कसमें नहीं खाता हूँ क्योंकि मैं मरने से बहुत डरता हूँ, लेकिन मैं मरूंगा। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं अपनी जान जरूर दे दूंगा। बेटा कब करोगे ये शुभ काम? क्या कहा? मेरा मतलब है कि क्या हो गया है इसे, क्यों ये ऐसी अशुभ बातें मुंह से निकाल रहा है? क्या करे हीरा, शादी करने की जिद कर रहा है। शादी? कौन बदनसीब लड़की करेगी इससे शादी? आपकी बेटी कामिनी। क्या हीरा? देखा डैडी, मैंने कहा था सुनते ही अंकल खुशी से उछल पड़ेंगे। क्यों हीरा, तुम्हारा क्या ख्याल है? देखो भाई, अब हमारी जिंदगी का क्या भरोसा। अच्छा होगा कि आंखें बंद होने से पहले बच्चों का घर बस जाए। क्या बात कर रहे हैं सेठ जी, ये रिश्ता कैसे हो सकता है? कहाँ ये और कहाँ आम? क्या कह रहे हो हीरा? मेरा मतलब है कहाँ आम और कहाँ ये। हीरा, आज तुम कहना कुछ चाह रहे हो और मुंह से कुछ और निकल रहा है। घबराहट के मारे मेरी जबान साथ नहीं दे रही भाभी जी। घबराने की कोई बात नहीं है ससुर जी। ससुर जी, मेरा मतलब है होने वाले ससुर जी। मैं जानता हूँ हैसियत में आप हमसे बहुत कम है, लेकिन आप ही वो मान हस्ती है जिसने मुझे अपने बिछड़े हुए माँ बाप से मिलाया। सीधी तरह शादी के लिए मांझा, वरना तेरी पोल खोल दूंगा मैं। क्या बात कर रहे हो? आपने मुझे इस घर में पहुंचाया, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। देखो मेरा मतलब है रवि बेटा, सेठ जी, भाभी जी, अब आपसे कैसे कहूं कि मेरी बेटी इससे नफरत करती है? नफरत नहीं डैडी, मैं तो प्यार करती हूँ रवि से। Yes, Daddy. I love him. I love him, Daddy. जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा ससुर पाजी? अरे चंदर, ये लीजिए, एक ब्रेड दे दीजिए। कहाँ गायब हो गए थे? तुमने तो मिलना जुलना ही बंद कर दिया। मैं किसी उलझने फंसा हुआ था जूही। क्या तुम्हें पता है हमारे साथ क्या हुआ? मेरे भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे पता है जूही। तुम्हें पता है और फिर भी तुम मुझसे मिलने नहीं आए? क्या हो गया है तुम्हें चंदर? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। इंसान अच्छा बुरा नहीं होता जूही, हालात उसे अच्छा बुरा बना देते हैं। मेरी क्या मजबूरी मैं तुम बता नहीं सकता। जूही, ओ जूही, तुम्हें जो कुछ भी समझाना है अब भाभी को समझाना, वो तुमसे मिलना भी चाहती हैं। देखो, मैं तुम्हारी भाभी से मिलना नहीं चाहता और ना ही आज के बाद तुम मुझसे कभी मिलने की कोशिश करना, समझी? चंदर, चंदर मेरी बात तो सुनो। चंदर, जूही, क्या हुआ? चंदर था, मुझसे मिला तक नहीं। जब बुरा वक्त आता है तो चारों तरफ से आता है भाभी, अपने भी पराए हो जाते हैं। नहीं जूही, बस बस रोते नहीं। जूही, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? जिस रिश्ते का मैंने सिर्फ नाम सुना था, आज पहली बार किसी ने पुकारा।
अब तेरा कोई दुख तेरा नहीं होगा। बता क्या बात है। जिस लड़के से इसका रिश्ता पक्का होने वाला था आज वही से रुला गया। आज बाजार में जूही ने उससे बहुत बात करने की कोशिश की लेकिन वो बेगानों की तरह चला गया। कौन है वो, क्या नाम है उसका? इस धरती पर जहां कहीं भी होगा उसे उठाकर मैं यहां ले आऊंगा। उसका नाम चंदर है। चंदर? कहीं ये वो लड़का तो नहीं जो होटल में काम करता है? हाँ। अरे उसका घर पता ठिकाना तो मुझे मालूम है। मैं अभी उसके बाबा से तुम्हारी शादी की बात कर आता हूँ। यह तो बड़ी खुशी की बात है बेटा कि जूही और चंदर की शादी हो जाए, लेकिन उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने का हक मुझे नहीं है, क्योंकि चंदर मेरा अपना बेटा नहीं है। मैं जानता हूं बाबा, मगर उसकी जिंदगी पर आपका हक उसके असली माँ बाप से भी ज्यादा है। वो जो माँ बाप उसे इतने बरसों ना मिले, पता नहीं कब मिले और शायद ना भी मिले। नहीं बेटा, चंदर के असली माँ बाप उसे जरूर मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे। मेरा दोस्त बादशाह उन्हें अच्छी तरह जानता है। चंद महीने पहले वो मुझसे मिलने के लिए आया था और कह गया कि चंदर एक करोड़पति सेठ का बेटा है, लेकिन उसने सेठ जी का नाम नहीं बताया और कहा कि वो जल्दी ही आकर उसे उनसे मिलाने के लिए ले जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या हो गया बादशाह को, उसके बाद लौट कर आया ही नहीं। बस तभी से मैं उसकी राह देखता हूं ताकि मेरे गरीब चंदर को उसका हक मिल जाए। किसका खून बहाता शिवा, एक दूध पीते मासूम बेगुनाह बच्चे का, जो अपने बचाव के लिए न भाग सकता था न चिल्ला सकता था। मुझे तो लगता है उनके असली बेटे को हीरा ने ही गायब किया। खैर अपना क्या लेना देना, अपने को तो अच्छा खाना अच्छे कपड़े वपड़े मिलते हैं और घूमने के लिए इतनी बढ़िया गाड़ी। ये बादशाह खड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, खत्म कर दो इसे। क्या बात है बेटे, कहां खो गए थे तुम? कहीं नहीं बाबा, आपके चंदर को उसका हक मिलेगा चाहे आपका दोस्त बादशाह लौटे या ना लौटे। कैसे? गड़े हुए मुर्दे उखाड़ कर जिंदा करने और तुम्हें मुर्दा करने आया हूं। शराब पीकर आयो क्या? बादशाह को तुमने जिस बच्चे को मारने की सुपारी दी थी वो सेठ धनराज का बेटा है ना? घबरा गए? सेठ धनराज का बेटा मेरे पास है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? सेठ धनराज का बेटा उनके पास तक पहुंच गया है? वो नकली बेटा है, असली बेटा उनके पास मैं पहुंचाऊंगा। तुम बकवास कर रहे हो। ये बकवास नहीं हकीकत है। फिलहाल तुम्हारे ऐशो आराम के दिन खत्म हो चुके हैं, इसलिए पहले बता रहा हूं अपने रहने का इंतजाम कर लो, क्योंकि बंबई शहर में छत ढूंढते ढूंढते उम्र गुजर जाती है। मेरी उम्र गुजरने से पहले तुम्हारा बाप तुम्हें ऊपर तक पहुंचा देगा। किसका बाप किसे कहां पहुंचाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्यों बेटे, होटल पसंद आया? लाजवाब है पिताजी, खाना भी यहाँ लाजवाब बनता होगा ना? हाँ बनता है बनता है। सारी जिंदगी झोपड़पट्टी में गुजारी, कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं इतना अमीर आदमी बन जाऊंगा, लेकिन इतना बड़ा कारोबार मैं संभालूंगा कैसे? अरे तुम इसकी फिक्र मत करो बेटे, कारोबार संभालने के लिए मैं जो हूँ। नहीं ससुर जी, अब आप भी बूढ़े हो गए, आपको भी आराम मिलना चाहिए। आखिर आप कब तक काम करते रहेंगे? देखिए कल से आपको होटल में आने की कोई जरूरत नहीं। क्या बोला? मैं तो वॉचमैन से भी कह चुका हूँ कि अगर आप आ भी गए तो आपको अंदर नहीं आने दे। देखा हीरा, तुम्हारी बेटी के साथ मंगनी होते ही कितना ख्याल रखने लगा तुम्हारा। हाँ सेठ जी देख रहा हूँ देख। सेठ जी आप इसको बाकी का होटल दिखाइए, मैं अभी आता हूँ। आओ बेटे।
सेठ जी को यह बताने कि तुम कितने धोखेबाज और नमक हराम हो। सबूत के लिए सेठ जी के असली बेटे को साथ नहीं लाए, कहाँ है वो? वो मेरी हिफाजत में है। हमारी हिफाजत में भी कोई है, उसकी आवाज सुनो। चाचा मुझे बचा लो, चाचा चाचा इन लोगों ने मुझे बंद करके रखा है, चाचा चाचा मुझे बचा लो, चाचा चाचा। अब बताओ इधर चले या उधर? मुन्नी, मुन्नी, हरामजादे, बता मेरी मुन्नी कहाँ है? बता। नहीं शिवा, नहीं। अभी तो तुम सिर्फ अपनी मुन्नी का रोना सुन रहे हो, लेकिन अगर तुमने हीरा पर हाथ उठाने की गलती की तो तुम्हें भी रोना पड़ेगा अपनी मुन्नी की लाश पर। हमसे बहुत आत्मिचोली खेल चुके तुम शिवा। एक बात याद रखना कि इस दुनिया में हर इंसान का कोई ना कोई बाप होता है, और तुम्हारा बाप आ गया। क्या बात है शिवा, हमें देखकर पसीना क्यों छलक आया तुम्हारे माथे पर? अचानक तुम्हारे चेहरे का यह रंग क्यों उड़ गया? इसलिए कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी जिंदगी में चेहरा मेरे सामने होगा। इसका मतलब यह है कि औरों की तरह तुमने भी हमारी मौत की झूठी खबर सुन रखी थी। अब क्या करें शिवा, हमें मरने की आदत नहीं है, सिर्फ जान लेने का शौक है। इसीलिए आज तुम्हें यहां बुलाया है। सुना है कि तुम एक पेशावर कातिल हो, पैसा लेकर लोगों का खून बहाते हो। खून बहाने का यह घिनौना खेल खेलना मैं छोड़ चुका हूं शिवा। जुर्म की दुनिया से ताल्लुक रखने वालों की कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए, जबकि तुम्हारी है एक मासूम बच्ची। हाँ। अरे नहीं, नहीं शिवा, नहीं, बेचारी मुन्नी को और तकलीफ पहुंचेगी। हारना या नाकाम होना मेरी फितरत में नहीं है शिवा, तुम्हें मेरा ये काम करना ही होगा। काम क्या करना होगा? किसी का खून करना है। तुम उसे अच्छी तरह जानते हो, बरसों पहले हमारे गद्दार साथी बादशाह की वजह से वो बच्चा बच गया था, अब वो जवान हो गया है। ये कहानी आज से कई बरस पहले शुरू होती है, जब मैं, हीरा और बादशाह, हम तीनों ने एक साथ मिलकर जाएगी पुलिस स्टेशन मेरे खिलाफ। चल हमारे साथ। इस तरह उस बच्चे की खातिर मुझे अपनी बीवी का खून करना पड़ा और इल्जाम मैंने अपने बेटे पर लगा दिया। बहुत खूब बलवंत साहब, आज पहला आदमी देखा जिसकी कोई कमजोरी नहीं है। कमजोरी कमजोर लोगों में होती है शिवा, हम जैसे लोगों में नहीं। खैर, जो काम तुम्हें दिया गया है जितनी जल्दी कर सकते हो कराओ और अपनी मुन्नी को वापस ले जाओ। हमारे दो आदमी तुमसे दूर दूर मगर तुम्हारे साथ साथ रहेंगे। और हाँ शिवा, मुझे किसी भी किस्म की होशियारी या चालाकी से सख्त नफरत है। गलती से भी कोई ऐसी गलती मत करना जिससे तुम्हारी मुन्नी की जान पर बना है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी औकात भूल गया था, इसलिए मैंने हीरा अंकल के साथ बदतमीजी की। लेकिन अब मैं आप लोगों की हैसियत जान चुका हूं,
जब आपने शिवा जैसे आदमी की ऐसी तैसी कर दी तो मैं किस खेत की गाजर हूं? अरे गाजर नहीं, मूली मूली। अरे एक ही तो बात है। बलवंत साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कोई दौलत जायदाद नहीं चाहिए, अरे मुझको उनकी बेटी भी नहीं चाहिए। ये हुई ना बात, यही ठहरो, मैं जायदाद के कागजात तैयार करके लाता हूँ, हिलना नहीं। नहीं हिलूंगा, मैं बैठ सकता हूँ? थैंक यू। बलवंत साहब मुन्नी को छोड़ दो, तुम्हारा प्यादा मेरे कब्जे में है। गुनाहों की शतरंज में ऐसे प्यादे या तो मारने के काम आते हैं या मरने के, लेकिन राजा को प्यादा ना तो शह दे सकता है और ना ही मात। अगर ये नेक काम तुम नहीं कर सकते तो हम कर देते हैं। यही तो मैं चाहता था बलवंत साहब, कि तुम्हारे हाथों एक और खून हो, जिसका चश्मदीद गवाह सिर्फ मैं अकेला नहीं बल्कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हो। इन सबको गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर कुमार तुम बच्ची को लेकर आओ। यस सर। चलो मिस्टर बलवंत, यू आर अंडर अरेस्ट। चाचा। मुन्नी चाचा। तू ठीक है ना मुन्नी? तूने ऐसा बोल हरामजादे, क्यों फंसाया मुझे? आखिर ऐसा कौन सा राज है जो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बनकर फैला हुआ है? बोलता क्यों नहीं कमीने, बता। वही बताने आया हूं आज। बरसों पहले आपने भी मेरे साथ ऐसी हरकत की थी बलवंत साहब, इसी तरह मुझे एक खून के इल्जाम में फंसाया था आपने। मैंने तुझे? किसके खून की बात कर रहा है तू? एक मासूम भोली भाली कमजोर और लाचार औरत के खून की बात कर रहा हूं मैं, जो तुम्हारी पत्नी और मेरी मां थी। तू मेरा बेटा? जिस लफ्ज का मतलब नहीं जानते तुम, उसे जबान पर भी मत लाओ। ऐसा मत कह शिव। शिव नहीं, शिवा। कल के मासूम शिव को आज का मुजरम शिवा बना दिया है तुमने। तुम्हारी वजह से मेरा बचपन चिल्ड्रंस होम के सख्त जमीन पर जाते हुए गुजरा, और मेरी जवानी हाथ में चाकू लिए जुर्म की दुनिया में खो गई। कितनी अजीब बात है, लोग अपने बेटे को डॉक्टर बनाते हैं, वकील इंजीनियर बनाते हैं, लेकिन तुम शायद दुनिया के वो पहले बाप हो जिसने अपने बेटे को एक पेशावर कातिल बना दिया। परसों पहले जो नफरत का बीज तुमने बोया था, आज उसी की फसल काट रहे हो तुम। अच्छा, तो उस बात का बदला ले रहा है तू। बेटा, तू शायद ये भूल रहा है कि बाप बाप होता है। बेटा 10 जन्म लेने के बाद भी बाप का बाप नहीं बन सकता। बरसों पहले मैंने तेरा बचपन बर्बाद किया था ना, अब बाहर आकर तेरी जवानी तबाह करूंगा। अब तुम बाहर आओगे तो सिर्फ शमशान जाने के लिए आओगे, फांसी का फंदा तैयार हो चुका है। दुनिया में अब तक ऐसी कोई रस्सी नहीं बनी जो बलवंत की गर्दन में फिट होकर फांसी का फंदा बन सके। और हां, जो फांसी का फंदा तूने मेरे लिए तैयार किया है, उसे अगर बाहर आकर तेरी गर्दन में नहीं फंसाया तो मैं भी तेरा बाप नहीं। चलो चंदर, अब तुम्हें यहां छुप के रहने की जरूरत नहीं है। मगर शिवा भैया कहां ले जा रहे हैं मुझे? इस वक्त तक मेरे बाप को फांसी लग चुकी होगी, आज मेरे साथ साथ
तुम्हारी जिंदगी का भी बहुत बड़ा दिन है चंदर। आज मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मिलवाना चाहता हूँ। क्या, मेरे माँ बाप से? हाँ चंदर। शिवा भैया, क्या यही मेरा घर है? हाँ चंदर, मुझे तो यकीन भी नहीं आता कि सेठ सेठानी मेरे माँ बाप हैं। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आओ शिवा आओ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मैंने अपने दोस्त बलवंत को फांसी के फंदे से बचा लिया है। बलवंत ने मुझे बताया कि तुम उसके बेटे हो, जान के बहुत अच्छा लगा। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे बेटे को मैं तुम तक पहुंचा दूंगा। अब तुम चंदर को लाए उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए। वो माँ बाप इस वक्त बलवंत के कब्जे में है, फैक्ट्री में। धंधे की मजबूरी है। आज इसे इसके माँ बाप से मिलने से तू तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अगर तूने जरा सी भी चालाकी दिखाई तो मेरे एक इशारे पर तेरी बेटी की खोपड़ियां उड़ जाएगी। देख उधर। बॉस, लगता है हीरा अंकल शिवा को लेकर आ गए। गुड। अरे लगता कोई और आ गया, दरवाजा तोड़ दिया। गुड, नॉट गुड। शिवा, शिवा ये क्या चक्कर है? सुना है चंदर मेरा अपना? हाँ सेठ जी, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, पहले मैं आप लोगों को। चाचा, मुझे बचाओ, चाचा। बहुत हो गया तुम्हारा खेल तमाशा शिवा, अब एक भी गलत कदम उठाया तो मैं इन सबके चीथड़े उड़ा दूंगा। मैंने कहा था ना कि आज तक कोई ऐसी रस्सी ही नहीं बनी जो
जो बलवंत की गर्दन में फिट होकर फांसी का फंदा बन सके। तू मेरी मौत का जश्न मनाने वाला था ना, जश्न तो अब मैं मनाऊंगा तेरी मौत का। पर आज उस कहानी को भी खत्म कर देंगे जो बरसों पहले हमने शुरू की थी। ये लो सेठ जी, मिल लो अपने असली बेटे से। जाओ भाई, जाओ बेटा, अपने माँ बाप के गले मिलकर दो आंसू बहा लो। जाओ चंदर। आ बेटे, आ अपनी माँ के गले लग जा। पिताजी। चंदर, रुक जाओ। यही है वो। कौन भाभी? तेरे भैया का कातिल। ये क्या कह रही हो भाभी? ये तो चंदर है। मैं ठीक कह रही हूँ जूही, मेरी आंखें ये मनुष्य चेहरा कभी नहीं भूल सकती। ऐसा मत कहो बहन। हमारा बेटा कातिल नहीं हो सकता। जरूर जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तो आप खुद इससे पूछिए, क्या ये मेरे पति का कातिल नहीं है? क्या ये उस दिन मेरे घर नहीं आया था? ये सच है कि उस दिन मैं आपके घर आया था। ये भी सच है कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी। लेकिन ये सच नहीं कि सत्यप्रकाश भैया का कत्ल मैंने किया। हमारी खुशियों में आग लगाने वाला अपराधी तू ही है। छोड़ दीजिए मुझे, बहन कहती हो छोड़ दीजिए मुझे। मैं इस कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेजू छोड़ दो इसे। भाई हीरा, यहाँ तो एक कहानी में दूसरी कहानी मिल गई। तेजू इसे पिस्तौल दे दो, अब ये अपना बदला खुद ले लेगी। आपका अपराधी चंदर नहीं है। तुम ये कैसे कह सकते हो? इसलिए कि वो खून चंदर ने नहीं, मैंने किया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। फरिश्तों के हाथों से ऐसा घिनौना जुर्म नहीं हो सकता। आप जिसे फरिश्ता समझती वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। आपने आज तक मेरा असली रूप नहीं देखा। मैंने इस सत्यप्रकाश जैसे ईमानदार इंसान को मौत के घाट उतारा है। ये नहीं हो सकता, ये हर केस नहीं हो सकता। आज तक मुझ में सच कहने की हिम्मत नहीं थी और आज तुम में सच सुनने की हिम्मत नहीं है। सच तो यही है भाभी कि मैंने तुम्हारे पति को मारा है इन हाथों से। भाभी, क्यों क्यों मारा उन्हें? आखिर तुम्हारी क्या दुश्मनी थी उनसे? दुश्मनी? मैं तो उन्हें जानता तक नहीं था। फिर क्यों जान दिया तुमने मेरा सहाग? चंद रुपयों के खातिर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन लोगों की मैं जान ले लेता हूं उनके घर वालों पर क्या बीतती है। लेकिन पहली बार तब पता चला जब मुझे बाबा को मारने की कीमत दी गई। बस वहीं आकर मेरे जुर्मों की गाड़ी इंसानियत की चट्टान से टकरा गई और उसके बाद मेरी जिंदगी में दो दुश्मन रह गए, एक चाकू और दूसरे वो लोग जो गरीबों के हाथों में चंद नोटों के टुकड़े रखकर गरीबों का ही खून करवाते हैं। और वो लोग ये हीरा और मेरा अपना बाप बलवन। और जब तक इन जैसे लोग जिंदा हैं, मुझ जैसे शिवा पैदा होते रहेंगे। भाभी, इतना क्या सोच रही हो? उठाओ पिस्तौल और मिटा दो इसे जिसने तुम्हारी मांग के सिंदूर को मिटाया है। चला बेटे, गोली चला, रुक क्यों गया? मैं बताता हूं बेटे के गोली कैसे चलाई जाती है। बलवंत अंकल, इससे तो उसके बदन में सिर्फ 6 सुराख होंगे और इससे 636 ये लीजिए और भून डालिए साले को।
गुड आइडिया। मी माय सेल्फ रैम्बो फ्रॉम यूएसए। नहीं चलेगी बल्लू। अरे क्या कर रहे हो बेटा? वो क्या है कि पिस्तौल तो मिल गई है, इसे चलाते कैसे? अरे पिस्तौल को तो सीधा कर लो ऐसे। अब चलाओ बेटा ऐसे। ये शुभ काम आप ही कीजिए। बड़े शौक से। ये तो खाली है लेकिन ये तो भरा हुआ है या पारू नहीं, एक न एक दिन तो यह अंजाम होना था। बस खुशी इस बात की है कि ऊपर जाकर मैं अपनी मां से कह सकूंगा कि तेरे अपराधी को उसके किए की सजा दे दी तेरे बेटे ने। भाभी भाभी भाभी, सबसे बड़ा गुनहगार मैं आपका हूं। अगर आपने मुझे सचमुच माफ कर दिया तो मेरी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी कर देना भाभी। बोलो शिवा भैया, बोलो। मरने के बाद मेरी आंखें मुन्नी को दे देना। शिवा भैया, इन आंखों ने हमेशा बुराई के सिवा और कुछ नहीं देखा। मैं चाहता हूं इन आंखों से मुन्नी दुनिया की हर अच्छाई देख सके। सलीम। हाँ सलीम मेरे यार। हाँ शिवा। हाथ उठाकर दुआ मांग, दुआ मांग मेरे यार, ताकि मैं
आसानी से मर सकूं। हे भगवान, भगवान शिवा, या अल्लाह। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर कुलकर्णी कोर्ट नहीं पहुंचे। कोर्ट नहीं पहुंचे? नहीं सर। तो गए कहां? मुझे इस तरह यहां पर लाया क्या? यह ठीक नहीं है देवा। तैयार मत इंस्पेक्टर, यह देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। लेकिन मैंने किया क्या? तेरे गुनाहों का काला चिट्ठा मेरे पास है इंस्पेक्टर। तुझे कानून की ठेकेदारी का लाइसेंस मिले 6 साल हुए और उन 6 सालों में तूने अपने लॉकअप में 5 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। देखो देवा, मुझे यहां से जाने दो। नहीं कुलकर्णी, मैं तुझे यहां से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं यहां ऊंचाई पर बैठा जरूर हूं, मगर इस कोर्ट के फैसले नीचे बैठे ये लोग करते हैं। कुलकर्णी, तू गुनहगार है या बेगुनाह, इसका फैसला होना तो अभी बाकी है। अपराधी, 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 अपराधी। नहीं देवा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। अब अगर मैं किसी को रिमांड पर लेता हूं और वो रिमांड में लेने के बाद जो तू कहाश्र करता है, यही जानने के लिए मैंने जॉन को भेजा था तेरे पास। कुलकर्णी, तूने मेरे 2 आदमी मारे, उनकी मौत तो मैं तुझे बख्श भी सकता हूं, मगर जिन 3 बेगुनाह लोगों को तूने मारा है, उनका तो गुनाह की दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं था। उन्हें मारकर तूने उनके परिवारों को भूख, गरीबी और तकलीफों में झोंक दिया। उनमें से एक अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा था और जिस मजदूर पर तूने गोलियां दागी, वो 12 लोगों का पेट भरता था और अंसारी की विधवा की गोद में 3 महीने का बच्चा है। और ये सारे पाप तूने अपनी इस वर्दी पर एक और स्टार बढ़ाने के लिए किए हैं। नहीं देवा, नहीं देवा, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम जानते हो हमारा डिपार्टमेंट, ये काम मैं उसी की भलाई के लिए कर रहा हूं। ये रिवॉल्वर सरकार ने तुझे बुराइयों को मिटाने के लिए दिया था, तूने इसे सिर्फ गुनाह किए हैं। नहीं देवा, ये रिवॉल्वर पहली बार कोई नेक काम करने जा रहा है। इसे क्या हुआ? गुड्डी, गुड्डी, अरे तू रो क्यों रही है? ओ, सिर्फ रोएगी या कुछ बताएगी भी? माँ, आज उस विलास ने फिर से मुझे। विलास ने फिर से क्या? भैया, आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया।
देवा, पागल हो गई क्या? उसके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? पता नहीं अब वो क्या कर बैठेगा। लेकिन माँ, मैं भी क्या करती? तो चल मेरे साथ। देवा, देवा रुक, रुक बेटा, रुक। भैया मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। हमें इधर से बाहर नहीं आना। हम विलास को सही जान से सुनो मेरी बात। प्लीज, मेरी बात तो सुनो। रुक जा। माँ, भैया, रुक जा। भैया क्या कर रहे हो? भैया, भैया प्लीज कर चलो। रुक जा। भैया से बात करेंगे। भैया रहने दो ना। चल लग गई यार मिंडी। पैसा निकाल, पैसा निकाल, 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 निकाल। भैया आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। लेकिन तुम लोगों को तो समझ में नहीं आता था उस वक्त जब मैं देवा को लेकर झगड़े करता था। दुश्मन लगता था तुम लोगों को मैं देवा का। पता नहीं अंदर ही अंदर क्या पाप पाल रहा था, क्या कमी रह गई थी मुझसे उसकी परवरिश में। हां नहीं बाबूजी, बाबूजी विलास तो मेरा भाई था ना, मगर गुड्डी की इज्जत पर हाथ डालकर उसने जितना बड़ा पाप किया ना, देवा ने उतनी बड़ी सजा नहीं दी उसे। अरे देवा क्या कोई भी भाई अब बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसकी बहन के साथ। बाबूजी शर्मनाक वो नहीं जो देवा ने किया, शर्मनाक वो है जो मेरे भाई ने किया, मेरे खुद ने। इतना इतना प्यार मुझे मिला है इस घर से, कभी पराया होने का एहसास नहीं दिया। नाज़रात हिंद दफा 307 के तहत यह अदालत मुजरिम देवा को 4 साल की सजा सुनाती है। तू फिक्र नहीं करना, मैं बाबूजी को मनाऊंगा, हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तू बिल्कुल एकाश क्या कर रहा तू? देख मुझे भी रुलाएगा आकाश। देखिए आप लोग हमें कहां ले जा रहे हैं, आप हमें बताइए। देखिए
आपसे मुकरा नहीं हूं, काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए। और फिर सीएम के साथ मैं अकेला नहीं हूं, उसके जैसे बहुत से ईमानदार लोग उसके साथ में हैं। आज कौन सा मिनिस्टर कौन सी कुर्सी पर कितने घंटे है कौन जानता है? कोई नहीं जानता। ए, तेरी पॉलिटिक्स में क्या नाटक चल रहा है? सीएम के साथ और कितना लोग चिपका हुआ है, और तेरा किसके साथ किधर क्या लफड़ा चल रहा है, इसे अपने को क्या? साला अपने धंधे को तो वाट लगा हुआ है ना, अपने फास्ट क्लब को सील मारा है पुलिस ने। तुम 3 महीने से लाइसेंस दिलाने की बात कर रहा था ना, हा? क्या हुआ उसका? और ये तेरा पोपट भाषा है ना, इसको बंद कर, बहुत हो गया। देखो खान, तुम मेरे साथ सलीके से बात किया करो, समझे? ए बाबू, इलेक्शन से पहले तुम हमसे इतनी ऊंची आवाज में बात करते थे क्या? और तुम हमको क्या सलीका सिखा रहे हो? तुम तो खुद हर बात की दो बात करते हो। वो टेंडर जो हमारे हाथ से गया ना, उसके लिए हम लोग मार्केट से ऑलरेडी 60 करोड़ रुपया उठा चुके हैं। वो साला पैसा तो गया ना खड्डे में। लाल सिंह, धंधे और कारोबार में इस तरह की चीजें बनती बिगड़ती रहती हैं। जो भी हो, कृष्णकांत जी से भरोसा उठाकर हमारे हाथ तो कुछ नहीं लगने वाला ना। जिंदाल साहब, मैं सच कह रहा हूँ, पिछले महीने सीएम साहब को गिराने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था मैं। 19 MLA थे मेरे साथ हाथ खड़ा करने के लिए, पर सेंटर में ही उलट पलट हो जाएगी ये किसे मालूम था। आज के अखबार में आपने गवर्नर का इंटरव्यू पढ़ा, सब दोगले। समझ रहे हैं कृष्णकांत बाबू, सब समझ रहे हैं। हम धंधे में झटके खा रहे हैं और आप राजनीति में। आपको खबर है कि जिनको आप बड़ा ही खासुल खास समझते थे, आपके 2 MLA जो बड़े ही वफादार थे, वो सीएम से जा मिले। जिंदाल साहब, आपको गलतफहमी हो रही है, आप मेरी बात का ये। अजी कृष्णकांत बाबू, आपके साथ उठ बैठ कर थोड़ी बहुत राजनीति तो हमने भी सीख ली। इस दांव पेच का वो नमूना देखी। ये सब क्या हो रहा जिंदाल साहब, क्या है ये? कृष्णकांत बाबू, हम आपके साथ हैं, यकीन मानिए, जगदम्बे अम्बे की कसम, हम अब भी आपके साथ हैं। जाओ देखो कौन है वहां। कितने पैसे लिए मेरी गाड़ी रोकने के लिए, और कौन थे वो लोग जो गोलियां चला रहे थे वहां पर? देखिए, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो वहां से तुम जैसी लड़कियां चंद रुपयों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ठीक कहा आपने, ठीक पहचान आपकी नजरों ने मुझे। हाँ, मैं गिरीवी बाजारू लड़की ही तो लगती हूँ जिसने पैसे के लिए ये चमक धमक कपड़े पहन रखे, क्योंकि मैं एक क्लब डांसर हूँ, लोगों को खुश रखने के लिए पहनने पड़ते हैं मुझे ये कपड़े। और शायद आपको बताने की कोई जरूरत नहीं कि कोई लड़की खुशी से ये काम नहीं करती। मैं जानबूझकर आपकी गाड़ी से नहीं टकराई थी, जो लोग गोलियां चला रहे थे वो मुझे मारना चाहते थे। जब मैं क्लब का शो खत्म करके बाहर निकली तो मैंने किसी का खून होते हुए देखा।
इसलिए वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे। ठीक है रोने की जरूरत नहीं। मनी इन्हें घर तक छोड़ा। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप चली जाऊंगी, मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए। मनी पता करो कहाँ रहती है और इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। सुनिए अगर मुझे कोई घर तक छोड़ दे तो जी चलिए जाओ डूब मरो, एक लड़की को नहीं पकड़ सके। लेकिन साहब हमने तो पूरी कोशिश की। Shut up, you bastard! चल चल छोड़ छोड़, तेरी शादी हो गई। मैं समझ गई, कोई लड़का तेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बेटी का भी कुछ ऐसा ही है, पता नहीं उसके मन में क्या है। माँ हाँ, ये क्या हो रहा है, तूने फिर मेरी बुराई शुरू कर दी ना। अरे नहीं रे। खैर कैसा चल रहा है? तूने दवाई टाइम पे ली के नहीं? हाँ हाँ खाई खाई, और डॉक्टर भी आया था चेक करने के लिए, मैंने तो साफ कह दिया खांसी तो रुक ही नहीं रही मेरी, फायदा क्या है। सेव बटाटा पूरी खाए के नहीं? हाँ, हाँ? हाँ? नहीं, 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 नहीं मैं कहाँ खाती हूँ। तू सुधरेगी नहीं, डॉक्टर ने तुझे तीखा चटपटा खाने को मना किया है ना। मैंने मिर्ची कम ही बोला था, लेकिन नालायक है ना मुच्छड़, ये तो ऊंचा सुनता है ना, हर बात में हाँ 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 करता है। समझ गया समझ गया, फिर वही गलती करता है। अच्छा तू क्या लाई खाने को? सेब और केले। हाय संतरे, संतरे नहीं लाई तू? पहली बार भूली हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बाजू वाले को सेब दे के संतरे ले लूंगी, अपना चलता है। मैंने इसे चुपके से ना सेब बटाटा पूरी खिला दिया था, इसे भी डॉक्टर ने मना किया है तेज चटपटा खाने से। जिस तरह तू मुझे डांटती है ना, ये अपनी बीवी की रोज डांट खाता है। ऐसा सब कुछ यहाँ चलते रहता है, मस्त टाइम पास होता है मस्त। माँ तेरा तो यहाँ टाइम बहुत मस्त पास होता है, अपना तो कल रात को बहुत टाइम खराब आ गया था। क्यों क्या हुआ, तेरा नए मालिक के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? अरे कुछ नहीं, ये ले तू सेफ का। तूने मुझे अपने नए काम के बारे में कुछ भी नहीं बताया, कहीं तू कोई ऐसा वैसा काम? तेरे को मेरे पे भरोसा है कि नहीं? देख तेरे को लगता है मैं कुछ ऐसा वैसा काम करूंगी? नहीं बस ठीक है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, मैं ठीक हो जाऊंगी ना, तो एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करा दूंगी। और अगर तेरी नजर में कोई अच्छा लड़का है तो तू मुझे बता दे। नजर में तो है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, उसे जानना पहचानना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि आखिर वो चीज क्या है। सर ये है देवा, कुछ ही दिनों में उसने जुर्म की दुनिया में अच्छा नाम कमा लिया है, दूसरे मुल्कों से सोने की बड़े पैमाने पर तस्करी करता है ये। हालांकि अभी तक अंडरवर्ल्ड और ड्रग माफिया का ये मेंबर नहीं है। सर ये जिंदाल है, वैसे तो ये कई इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का मालिक है, मगर इसका असली धंधा है ड्रग्स का, और सर ये इंटरनेशनल ड्रग माफिया से भी जुड़ा हुआ है। और सर ये है लाल सिंह, लाल कंस्ट्रक्शन के नाम से इसकी बड़ी कंपनी है, इसने अपनी गुंडागर्दी की बदौलत कई जमीनों पर नाजायज कब्जा कर लिया है, नगर पालिका के कई अधिकारियों को अपने साथ लेकर सरकारी जमीनों पर भी इसने अपनी बिल्डिंगें खड़ी की है, पुलिस में इस पर काफी मामले दर्ज हैं। सर ये खान अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा डॉन, यूं समझिए कि पैसों के लिए किसी को मार देना इसका पेशा है, इस पर कई नामी लोगों के हत्याओं के केसेस चल रहे हैं, ये जिंदाल और लाल सिंह के लिए काम करता है। मुझे अफसोस है सर कि पुलिस इनके खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं जुटा पाई है, हमें पूरा यकीन है सर अगर इन चारों को काबू में कर लिया जाए तो शहर से क्राइम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, जब आप लोगों को इतना सब कुछ मालूम है तो इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने में आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सर, और प्रॉब्लम है हमारा कानून। अदालत की कार्रवाई में बहुत वक्त गुजर जाता है सर, और ये सब लोग अपने पैसों के बूते पर बड़े बड़े वकीलों को अपनी पैरवी के लिए खड़ा कर लेते हैं, और अदालत इनके गिरेबान तक पहुंच नहीं पाती और केस कमजोर पड़ जाता है।
आई नो वॉट यू वॉन्ट टू से मिस्टर सक्सेना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहे। बिल्कुल नहीं सर, पुलिस डिपार्टमेंट को भी कुछ करना चाहिए। लेकिन इसके लिए हमको खास अधिकार चाहिए सर, वी नीड स्पेशल पावर्स। हमारे पास ऐसे मैजिस्ट्रेट होने चाहिए जो रात को 12 बजे 1 बजे कभी भी इनके खिलाफ हमें वारंट दे, और हमारे पास खास अधिकार होने चाहिए कि हम इन्हें जब चाहें हिरासत में ले लें और जरूरत पड़ने पर सच उगलवाने के लिए इन पर थर्ड डिग्री का भी इस्तेमाल कर सकें। दैट्स राइट। मैं जानता हूं आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बात सही है, एकदम सही, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है मिस्टर सक्सेना कि अगर ये अधिकार पुलिस डिपार्टमेंट को दे दिए जाएं तो पुलिस डिपार्टमेंट इन अधिकारों का मिसयूज नहीं करेगा? सर, अगर कोई भी शख्स इन अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता हुआ पाया जाए उसको भी बख्शा नहीं जाए, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे तुम्हारा सुझाव अच्छा लगा मिस्टर सक्सेना। थैंक यू सर। मैं अपना डिसीजन कल शाम तक तुम्हें बताता हूँ। Happy birthday to you, happy birthday dear Deepu। चलो चलो कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। आकाश, ये तेरे लिए। आकाश, ये तो बहुत महंगा लगता है। इस पेन से एक दिन तू इतिहास लिखेगा। इतना बड़ा काम करना होगा मुझे इस पेन से? तब तो इसे तू ही रख और तू ही लिख। मेरा लिखा इतिहास पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। तेरी बातें भी बस देवा। शरबत, कमाल है, अब तक इंद्र नहीं आया और खाना भी तैयार है। और उसके इंतजार में हमें भूखा मत रखना। इंद्र ने आज ही चार्ज लिया है, पुलिस वाला है, ड्यूटी पहले करेगा। क्यों रे, कितने पैसे मिले तुझे लाल से बस्ती खाली कराने के लिए? साहब, मैं तो उधर कभी गया नहीं, मैं तो गोवा में था साहब। मैं तुझ जैसे गुंडों की जात बहुत अच्छी तरह से जानता। हाथ नहीं लगाना साहब, कानून हम भी जानते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं तेरी आवाज इतनी कड़क क्यों है, क्योंकि तू जानता है कि तेरे पीछे तेरा बाप लाल सिंह बैठा है, जो कानून के दलालों को खरीद कर तेरी जमानत करा देगा। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, अपने आप को लाल की छतरी से अलग कर ले, क्योंकि अब इस शहर में मैं लाल जैसे लोगों की साथ ही खत्म कर दूंगा। क्या बात है जुगानी साहब, एक्सरसाइज लाल भैया कर रहे हैं और पसीने आपको छूट रहे हैं, हैं? लगता है बहुत अच्छी खबर सुनाने वाले हैं आप। सुनाइए सुनाइए, बहुत अच्छा मौका है। लाल साहब, लगता है वो कालीना वाली जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि लीगल तौर पर नाना भाई ट्रस्ट ने वो जमीन स्कूल बनाने के लिए ली थी। उन्हें कोर्ट से स्टे भी मिल गया है। मैं उनके वकील से भी मिला, उसे समझाया कि ये केस वो अपने हाथ में ना लें, लेकिन वो सुनता ही नहीं। ट्रस्ट के वकील ने कोर्ट से स्टे ले लिया और आप, आपने क्या तीर मारा वकील साहब? लाल साहब, मैंने हर तरह से कोशिश की मगर हमारे लिए ये 100 करोड़ का खेल है और आप सिर्फ कोशिश में लगे आए। केस क्या है, क्या किया तुम लोगों ने? एक आदमी का खून। लाल सिंह से पंगा लेके तूने अच्छा नहीं किया। कोई है? कोई है? बचाओ! कोई है? कोई है? बचाओ! कोई है? बचाओ! है,
अरे चिल्ला क्या रहा है, वो भी इसके सामने। इसकी आंखों की पट्टी खोल देना तो सबसे पहले यही भागे यहां से। कोई है? अरे जब 9 से 5 यहां कोई नहीं सुनता तो 5 के बाद कौन सुनेगा? ये पांच बजे के बाद देवा की अदालत शुरू होती है। जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है बाबूजी। तेरे साथ बात करनी है। तुम देख नहीं रहे कि यहां एक जरूरी मीटिंग चल रही है? बाकी मीटिंग्स मेरी मीटिंग के बाद। देवा देखो तुम, मैं तुझे मारने नहीं आया लाल। ये काम मुन्ना या मनी कोई भी कर सकता है। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? लाल सिंह, तूने अपनी गुंडागर्दी की बदौलत जमीनों पर नाजायज कब्जे करके बहुत बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी। तेरी भूख इतनी बढ़ गई है कि अब तू स्कूल और शमशान जैसी जगहों को भी हड़प लेना चाहता है। यह कलीना वाले प्लॉट के पेपर्स हैं लाल सिंह, आज के बाद इस जमीन पर तेरी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। इन पेपर्स पर साइन कर, तेरी जिंदगी के 5 साल मैं बख्श देता हूं। एक मामूली से प्लॉट के लिए 5 साल की जिंदगी घाटे का सौदा नहीं है लाल। ले साइन कर। जिस वकील को मारने के लिए तूने अपने आदमी भेजे थे वो अशोक प्रधान देवा का बाप है। अगर दोबारा तूने ऐसी गलती की तो तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे अपने हाथों से अपनी जिंदगी फिसलती हुई नजर आएगी। तेरे माथे का पसीना और दिल की धड़कन ये बता रही है कि तुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। जिंदाल साहब, देवा को इस मीटिंग में बुलाने का मतलब क्या है? वो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करता रहता है और हम उसे अपने बराबर बिठाकर इज्जत दे रहे हैं। जिंदाल साहब, मेरा भी यही कहना है कि देवा कल हम सबके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। रिलैक्स फ्रेंड्स, रिलैक्स। देवा हमारी दुनिया का एक नया बीज है जिसमें अभी अभी अंकुर फूटे हैं। जवान है, जोशीला है और सबसे खास बात यह है कि वो बहुत जल्द तरक्की करना चाहता है। मेरा तजुर्बा है ऐसे तेज आदमी को अपने से दूर नहीं रखना चाहिए। देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं। वैसे मैं इस बात से हैरान हूं कि आप लोगों ने मुझे इस मीटिंग में क्यों बुलाया है। देवा,
इन दिनों हमारे धंधे में मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन मुश्किलों से हमें कैसे लड़ना है, इसी के बारे में बातचीत करने के लिए हम सब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। आखिरी हमारी जमात की बात है, और तुम हमारी जमात से बाहर तो नहीं? जमात एक होने से सोच एक नहीं हो सकती जिंदाल साहब। सोच का क्या है, वक्त के साथ बदल जाया करती है। तुमने अपनी जगह बनाने के लिए जो रफ्तार पकड़ी है उसका तुम्हें कायर। ये तो आपका भड़कपन है जिंदाल साहब। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं, ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया मैंने, रफ्तार पकड़नी तो अभी बाकी है। आप कुछ धंधे की मुश्किलों के बारे में बात कर रहे थे। देवा, मेरा मतलब है हमें छोटे छोटे फायदों के लिए आपस में रंजिश का माहौल खड़ा नहीं करना चाहिए। हम ताकतवर तभी हैं जब तक हम एक हैं। अलगाव वो दरार है जो किसी भी इमारत की बुनियाद में समाकर उस इमारत को बर्बाद कर देती है। हमें अपनी इमारत में इस दरार के लिए कोई जगह नहीं छोड़नी। हमें पूरी ताकत के साथ मिलकर अपने दुश्मन से लड़ना है, और हमारा दुश्मन है कानून। तुम्हें मालूम है देवा कि हमारे नए सीएम बहुत ही ईमानदार हैं। उन्होंने इस शहर से क्राइम को पूरी तरह खत्म करने का बीड़ा उठाया है, और इस ऑपरेशन का इंचार्ज उन्होंने बनाया है एसीपी इंदर सक्सेना को। सक्सेना के पिछले रिकॉर्ड के बारे में हमने पता किया है। यह आदमी हम जैसों के लिए कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले कि हमारे इर्द गिर्द कानून का दायरा कस दे, हमें उसे इस दुनिया से विदा कर देना चाहिए। नहीं जिंदाल साहब, सक्सेना को मारकर हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अपना दुश्मन नहीं बना सकते। ये बात तो सभी जानते हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर सच्चाई और ईमानदारी का बोझ ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता, और जिस दिन सक्सेना को यह बात समझ में आ गई वो खुद ही ट्रांसफर ले लेगा। मेरे हिसाब से उसे 3 महीने का वक्त देना चाहिए। अगर 3 महीने के बाद वैसा नहीं हुआ जैसा तुम सोच रहे हो, तो इंदर सक्सेना को तुम खुद मारोगे। ये वादा मैं कैसे कर सकता हूं? मौत और वक्त का कोई तालमेल नहीं होता जिंदाल साहब। 3 महीने बाद मैं उसे मारूंगा, और यह देखने के लिए आप जिंदा रहेंगे इस बात की गारंटी कौन दे सकता है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, भागो 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 भागो। कैसी हो माँ? बहुत अच्छी हूँ बेटे। अभी तक उस हॉस्पिटल में होती तो ऊपर पहुंच गई होती। यहाँ तो नई जिंदगी मिल गई मुझे। ऐसे क्या देख रही हैं आप? देख रही हूँ कि तू है कौन। हमें तकलीफों दुखों से उभारने के लिए कहाँ से आ गया तू? इतना तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता बेटे। ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या नहीं किया बेटे, मेरा इलाज करवा रहे हो, मेरी बेटी को नौकरी दी, वैसे वो काम कैसे कर रही है? अरे जिया, उसकी फिक्र छोड़ दीजिए आप, बहुत अच्छा काम कर रही है वो। कुछ ही दिनों में उसने पूरा ऑफिस संभाल लिया, सभी चाहते हैं उसे। बेटी वो अकल की थोड़ी कच्ची है, कोई बात बुरी लगे तो माफ कर देना, बिन बाप की पली है ना, इसलिए जरा मुंहफट है। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, बस अपना ख्याल रखिए, डॉक्टर की बातों को अच्छी तरह से मानिए, और कोई चटपटी चीज मत खाइए। मैं आपको देखने आता रहूंगा। अच्छा बेटी। देवा, गुड्डी की शादी की बात सुनकर तू इतना परेशान क्यों हो गया? क्या बहन को सारी जिंदगी घर में बिठा के रखेंगे? सोच रहा हूं कितने लाड प्यार से पली है वो,
उसकी जिद और खुशी के लिए हम कुछ भी करते थे, और अब वो एक नए घर में नए लोगों के बीच। गुड्डी किसी नए घर में नहीं जा रही है देवा, हमने उसके लिए जो लड़का चुना है वो भी उसे उतना ही जानता है जितना उसे हम जानते हैं, और फिर अगर उसने हमारी बहन को जरा सा भी परेशान किया ना तो हम दोनों मिलकर उसकी टांग तोड़ सकते हैं। कौन है वो? एसीपी इंदर सक्सेना। देख देवा, घर के बाकी सब लोग मेरा इंटरव्यू ले चुके हैं और मुझे पास भी कर चुके हैं, वैसे अगर तू कहता है तो। इंदर, गुड्डी मेरी इकलौती बहन है, उसकी मुस्कुराहट के लिए मैं अपनी सारी खुशियां लुटा सकता हूं, उसके लिए मुझे एक नेक दिल, होनहार और काबिल लड़का चाहिए, और ये सारी खूबियां तेरे में हैं। तेरा ये खुशी इजहार करने का तरीका भी अच्छा है। मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। देवा, हमारी कितनी बड़ी मुश्किल आसान हो गई। बाबूजी भी इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। वो तो बेसब्री से उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब हम दोनों भाई मिलकर दुल्हन बनी गुड्डी को डोली में बिठाएंगे। देवा, देवा ऐसे मौके पर ये बात कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन दोस्त मेरी एक मजबूरी है। क्या बात है इंदर? पुलिस की रजिस्टर में शहर के जिन चार बड़े गुनहगारों का नाम दर्ज है उनमें से एक नाम देवा का है। जानता हूं। फिर तो तू ये भी जानता होगा कि मेरी शादी में पुलिस फोर्स के सारे बड़े अफसर आएंगे, उनके सामने मेरी पोजीशन। प्लीज यार, तू मेरी शादी में मत आना। तू ये क्या कह रहा है इंदर? देवा के बिना गुड्डी की शादी? तू जानता है ये कितना प्यार करता है। आकाश, इंदर ठीक कह रहा है, गुड्डी की शादी में मेरी वजह से कोई अड़चन आए, इंदर मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। माँ? देवा, देवा तू आ गया बेटा। हाँ माँ। देवा, देवा। हाँ माँ। देख ये बस्ती वाले क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं मैंने बच्चों को शहर दे दिया, मैं भला ऐसा कर सकती हूँ बेटा? नहीं माँ, नहीं। अरे मैं तो उनका भूखा पेट भरने के लिए फैक्ट्री से दूध लाई थी, वो कैसे शहर बन गया? कहाँ है दूध माँ? देखिए यहीं कहीं पड़ा होगा, मलाड़ में चिंचोली फाटक के पास मिल्क फैक्ट्री में काम करती हूँ ना, वहीं से लाई थी। चिंचोली फाटक के पास? चिंचोली फाटक के पास तो एक ही फैक्ट्री है, और वो तो जिंदाल की बंद पड़ी हुई फैक्ट्री है। ये दूध नहीं ड्रग है। जरूर, लेकिन तुझे कंधा देने जा। बंदूक के नीचे नहीं। मरे बच्चों, औरतों को बाहर निकालो। हाँ देवा। चलो बच्चों, चलो चलो उठो, चलो जल्दी, चलो जल्दी बाहर निकलो, चलो चलो माजी, चलो बच्चों यहाँ से, बच्चों जल्दी संभाल के चलो बच्चों, चलो माजी माजी चलो निकलो यहाँ से, चलो।
होश में तो हो देवा। तू एक ऐसा हैवान है जिसका मकसद दौलत कमाना है, चाहे वो जहर बेच के क्यों ना हो। जिंदाल से ताकत आजमाइश की भूल मत करना, क्योंकि ऐसी भूल का मतलब है अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना। लोगों को मौत के बाद चिता में रखा जाता है, अगर उन बच्चों को कुछ हुआ तो अपनी ही चिता में मौत का नजारा देखने वाला तू पहला शख्स होगा। क्यों जनाब, आज आप घर जल्दी लौटने वाले थे ना? जरा अपनी घड़ी पर नजर डालिए और देखिए कि टाइम क्या हो रहा है। हाँ, मुझे टाइम का ख्याल है शोभा, मगर काम बहुत ज्यादा है और आप छोड़ नहीं सकते, यही ना? शोभा, गुड्डी की शादी की वजह से 5 दिन दुकान बंद थी, मार्केटिंग का मेरा सारा काम रुका हुआ है, इसलिए देखना मैं 1-2 दिन में सब कुछ निपटा लूंगा। ठीक है बाबा, जब आपका मन करे तब आ जाइएगा, मगर आज मैंने और दीपू ने ये तय कर ही लिया है कि खाना एक साथ ही खाएंगे। शोभा तुम मेरी बात सुनो। बाय। तू गया नहीं अब तक? साहब मेरी औरत की तबीयत बहुत खराब है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ओहो, अरे उन्होंने 7 बजे लेबर बुलाई है, माल आज रात को पहुंचाना है। ला तू टेम्पो की चाबी ला, मैं पहुंचा दूंगा घर जाते हुए। यहां तो कोई भी नहीं है, लगता है ऊपर कोई है। का भी बंदोबस्त करना चाहिए। देखिए सीएम साहब तो पता है, हमें सब पता है। सीएम को लाइन पर लाने के लिए क्या तीर मार रहे हैं आप, ये बताइए। बहुत नुकसान उठा लिया हम लोगों ने। सीएम पर लगाम कसना कृष्णकांत के बस का रोग नहीं है, और अब इस सीएम का और जिंदा रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हारी ये अदा हमें बहुत पसंद है खान, तुम बिना वक्त जाया किए हुए मुद्दे पर आ जाते हो। सीएम सच्चाई का दामन छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए उसे जिंदगी से महरूम कर देना चाहिए। सीएम की मौत का खेल हम खेलेंगे और नाम देवा का होगा। बोल, कैसा है तू? इंदर मैं माल सप्लाई करने गया था, वहाँ वो लोग बात कर रहे थे कि वो सीएम को मारकर देवा को फंसाना चाहते हैं। क्या क्या कह रहा है तू? वो कोई जिंदाल साहब करके थे, वो बात कर रहे थे कि वो देवा को फंसा देंगे।
आकाश तू कहाँ से बोल रहा है? मैं यहाँ वसंतराव भागवत चौक के टेलीफोन बूथ से बात कर रहा हूँ। आकाश तू सुन, तू वहीं पर रुक, मैं वहाँ पर अभी पहुँचता हूँ। इधर तू यहाँ जल्दी आ जा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आकाश तू घबरा मत, मैं आ रहा हूँ। डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं यहीं रुकता हूँ। हमें ही फोन करने दो। मैंने तुझे वहां पर रुकने के लिए कहा था ना इंदर, मैं वहां तेरा इंतजार कर रहा था। अगर मैं कुछ देर और वहां रुक जाता तो वो लोग मेरी जान ले लेते। कौन लोग? कौन लोग तेरी जान ले लेते? वही लोग इंदर, जो देवा को मारने की बात कर रहे थे। इंदर तू कुछ कर यार, वरना वो लोग मेरे भाई को मार डालेंगे। तू वो बिल्डिंग जानता है? लेकिन इंदर तू अकेला। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। चल मेरे साथ। तो कोई भी नहीं है आकाश। आकाश तुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना? नहीं नर, यहीं पे उन लोगों की मीटिंग चल रही थी और वो जिंदाल साहब कह रहे थे कि हम लोग सीएम को मारकर देवा को फंसा देंगे। हम अभी यहीं हैं आकाश बाबू। इधर यही है वो जिंदाल, यही है। अगर हमें ये पेन कैप ना मिला होता तो हमें पता भी ना चलता कि हमारी बातें कौन सुन रहा था। इंदर ये तो ऐसा ही हाथ था मेरे भाई का, जिसे तेरे भाई देवा ने उखाड़ दिया था। इंदर, इंदर ये तू क्या कह रहे है? हमें तुम्हारी काबिलियत पर नाज है इंदर सक्सेना। तुम्हारे घर का सुख चैन छीन लेंगे हम लोग, और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं देवा की बाजुओं में तेरी लाश डालकर। Fuck!
देवा, देवा देख इस महीने तनख्वाह मिलेगी ना, सबसे पहले तेरे लिए नए जूते खरीदूंगा, अब मान भी जा यार। गांधी जी पता है कितनी बड़ी हस्ती थे, इतना बड़ा काम करना होगा मुझे इस पेन से, तब तो इसे तू ही रख और तू ही लिख। परछाई तो हर एक की जिंदगी में आती है, इससे कोई नहीं बच सका, तू इसका सामना कर, हिम्मत मत छोड़ बेटा, तेरे साथ जो हुआ है उसका इंसाफ खुदा करेगा, दुश्मनों ने तेरी झोली में तेरे भाई की लाश डालकर ठीक नहीं किया, मैं अंधी हूं मगर उन लोगों का सर्वनाश देख रही हूं, बेटा जीत तो तेरी ही होनी है, कितने दिन दुखियों की दुआएं हैं तेरे साथ, देख लेकिन आकाश भैया यहाँ करने क्या आए थे? यही मैं सोच रहा हूँ मनी, आकाश यहाँ इतनी रात गए क्या करने आया था? तुम कहना क्या चाहते हो? लाल भैया आप पर शनि की महादशा चल रही है, इसलिए मैं इन्हें लेकर आया हूं, ये है पंडित बद्री नारायण शास्त्री, ज्योतिष विद्या के प्रकांड पंडित, और शनि देवता पर इन्होंने पीएचडी भी की है, हमारे देश के बड़े बड़े नेता अभिनेता इनका ही दिया हुआ ताबीज गले में लिए घूमते हैं, और तो और हमारे प्रसिद्ध निर्माता गुलशन कुमार जी शनि देवता पर आधारित जो फिल्म बना रहे हैं ना उसकी कहानी भी यही लिख रहे हैं। ओफो लीलाधर तुम अपनी ये बकवास बंद करो, जूता जूता मार लो भैया मेरे को, जूता मार लो, मेरी खाल खिंचवा लो, लेकिन इसे गले में बांध लो। क्या है क्या ये? ये भैया ये देखिए ये उल्लू का नाखून है। उल्लू का नाखून? हाँ, जिसे पंडित जी ने अपने तंत्र मंत्र से बहुत बड़ा शस्त्र बना दिया है, ये आपके गले में ढाल का काम करेगा भैया, इसे आप गले में डाल लीजिए। अरे हटाओ इसे। ओम नमो हनुमान। ठीक है गले में मत डालिए, गले में मत डालिए, लेकिन इसे अपनी जेब में डाल लीजिए, ये लीजिए। अबे ठीक है ठीक है, बस अब चिंता की कोई बात नहीं है, और बाकी सब बंदोबस्त हो गया है, बंगले के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल ठुकवा दी है, ऑफिस के चारों ओर चार फूटे गड़वा दिए, काल भैरव का कड़ा पहरा है यहाँ पर, और पंडित जी 21,000 मंत्रों का जाप कर रहे हैं। ओम नमो हनुमन्ते भव भंजनाय। दुश्मन आपके आसपास फटक भी नहीं सकता है। तू जानता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? बता मेरे भाई को किसने मारा है? देखो देवा, मैं तुम्हारे भाई के बारे में कुछ नहीं जानता। Ah!
जब तक तू नहीं बताएगा तब तक तुझे मारता रहूंगा। बताए देवा, रोको अपने आप को, क्या कर रहे हो तुम? तू समझता नहीं इंदर, इसी की जगह पर मरा है मेरा भाई। मैंने पूरी इंक्वायरी की है देवा, लाल सिंह उस राज शहर में नहीं था उस राज शहर में। इंदर, आकाश की मौत एक एक्सीडेंट नहीं है, उसे मारा गया है। उस रात वो बिल्डिंग के ऊपर क्या करने गया था, क्या काम चल रहा था वहां पर? देवा, अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है ना, तो मैं आकाश के खूनी को छोड़ूंगा नहीं। क्या आकाश के खून से मुझे कोई काम नहीं हुआ? क्या आकाश तेरा कुछ नहीं लगता था? देखो देवा, जिस तरीके से तुम रिजल्ट हासिल करना चाहते हो वो तरीका बिल्कुल बिल्कुल गलत है। तुम जानते हो लाल सिंह तुम पर केस बना सकता है कि तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की। अंदर भाई की मौत का घाव मुझे मिला है, मुझे कानून के लिए आकाश की मौत एक केस है जिसे एक नंबर दे दिया जाएगा और फाइल बंद कर दी जाएगी। जिस दिन वो चेहरे मेरे सामने साफ हो गए, मैं अपने भाई की मौत का हिसाब अपने तरीके से लूंगा। अपने डरो, ये एक आदमी हमारे हाथ लगा है, इसने हमारे एक ऑफिसर इंस्पेक्टर कुलकर्णी को भी जान से मारा है। मुझे पूरा यकीन है कि आकाश के केस के बारे में ये बहुत कुछ जानता है। इसको हमने एक ऐसा इंजेक्शन दिया है कि 10 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा सच उगलेगा। ये क्या काम करता है, किसके लिए काम करता है, सब कुछ उगलेगा। ले जाओ उसे। देवा, ये मत सोचना कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आकाश के केस के लिए मैं अपनी जान तक लड़ा दूंगा। ए, स्टॉप इट! जॉन! आत्महत्या कर ली साले ने। आत्महत्या नहीं, बलिदान दिया अपने मालिक के लिए। अब तो आप समझ गए होंगे कि जुर्म के सामने कानून का कद इतना छोटा क्यों हो गया है। क्योंकि आपके डिपार्टमेंट में जॉन जैसे लोगों की कमी है एसीपी साहब। आज तक तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, यहां तक कि मेरी और आने वाली मौत को भी टक्कर दी है तुम लोगों ने। अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग क्या करना है हम लोगों को? चाहता हूं होटल और दूसरे धंधे जो कानूनी तौर से सही हैं,
उन्हें तुम सब संभालो। धंधे हम संभाले? मतलब कहीं तुम हमें छोड़ना तो नहीं चाहते? मैं अपने लिए तुम लोगों की जान खतरे में डालना नहीं चाहता। देवा, ये बात कहके तूने हम सबको बहुत छोटा बना दिया, और ऐसे वक्त पर अपने धंधे और कारोबार हमें देकर हमारे काम की कीमत दे रहे हो तुम। रशीद, मेरा मतलब, रशीद ठीक कह रहा है। सुख दुख एक साथ बांटने की कसम खाकर तुमने अपना दुख अलग कैसे कर लिया? देवा, देवा तुमने आज बता दिया, हम तुम्हारे साथ नहीं थे, सिर्फ तुम्हारे लिए काम कर रहे थे। मणि, चक्कर आ गया मुझे, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, थक गई। जय माता दी। अरे रुको रुको, अंदर नहीं जाने दूंगा। राजा शांतपति पति का कहीं सही नहीं जाने देगा। ये सब क्या है? अबे दिखता नहीं क्या, ये तोता है, ये यहाँ अलाउड नहीं है। अरे माँ जी ने मंगवाया है। अरे टोपी, आ गया मेरा मिट्टू, मेरा मिट्टू आ गया। जा 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 जा। ए, क्या लफड़ा है? इस तोते से तेरा तेरा अस्पताल का क्या नुकसान है? मेरी नौकरी चली जाएगी माँ जी। अरे तू फिक्र क्यों करता है, मैं हूँ ना, मुझ पे डाल दे, मुझ पे डाल दे, मैं संभाल लूंगी। अरे मेरा राजा, आजा आजा आजा। मिठू, मैंने तेरे लिए नई खोली ले ली है, मस्त। और तुम्हारे वाली खोली मैंने भाड़े पे दे दी है। शाबाश। हाँ, कहीं सस्ते में तो नहीं दी? नहीं नहीं, जाएगा ले लेंगे। बराबर बराबर लाकर मुझे देना, यहाँ का मुझे बिल बिल चुकाना पड़ता है, समझा ना। माँ जी आपने मुझे बुलाया, ये ले 10 रुपए, एकदम तीखे चटपटे कुरमुरे ला दे इसके। मैं नहीं ला सकता कुरमुरे वुरमुरे। अरे भाई मेरे लिए नहीं भैया, मिठू के लिए। अच्छा, अच्छा। और बड़े डॉक्टर से कहना कि माँ जी ने बोला है। जा जा, मुल्लू बनाया इसको, अब दोनों मिलकर खाएंगे। आओ आओ इंदर, आओ। सर उधर रखो। सर इन दो सूटकेसों में तकरीबन 15 लाख कैश और 2 करोड़ के गोल्ड बिस्किट्स हैं जो बाहर से स्मगल हुए। बैठो। थैंक यू सर। सर ये सारा का सारा माल हमने दहीसर के एक फ्लैट से बरामद किया है। कोई गिरफ्तारी? सर ये फ्लैट किसी हसमुख पटेल के नाम पर है, लेकिन पिछले 6 महीनों से यहां पर 2 लोग किराएदार की हैसियत से रह रहे थे। उन लोगों ने मकान मालिक और बिल्डिंग के बाकी सभी लोगों को यह बता रखा था कि उनका कपड़ों का कारोबार है, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो लोग अपने घर पर ताला लगाकर गायब हैं। जाहिर है सर उन्हें हमारे ऑपरेशन की भनक पहले से लग चुकी थी। इंदर हो सकता है इन दोनों का लिंक देवा या जिंदाल के साथ हो? हो सकता नहीं सर, लिंक है, देवा का डेफिनेट लिंक है। सर मैं इस बार चाहता हूं कि मैं जब देवा को अरेस्ट करूं आप वहां पर जरूर मौजूद रहें, क्योंकि मुझे यकीन है आपकी मौजूदगी में कोई हिम्मत नहीं करेगा कि देवा को छुड़ा कर ले जाए। तुम अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाओ इंदर, तुम्हें मेरी जरूरत जब जिस वक्त जहां भी पड़ेगी मैं मौजूद रहूंगा। थैंक यू सर। आकाश भैया के बिना काटने को दौड़ता है अब वो घर। हर कोई बस एक दूसरे को दिलासा दे रहा है, दीपू के मासूम सवाल भी दिल को हिला देते हैं। बाबूजी तो हर एक को दिलासा देते रहते, मगर अकेले में फूट फूट कर रोते हुए देखा मैंने उन्हें। सबका प्यारा था वो, शायद ही किसी का दिल दुखाया होगा उसने। ये पेन मुझे आकाश के पास मिला, जिसके पास इसका कैप है वही उसका खूनी है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, उसे ढूंढ निकालूंगा गुड्डी। सारी बत्तियां बंद क्यों हैं? इतनी रात गए कहां से आ रही है तू? आप शराब पी रहे?
मैंने कहा इतनी रात गए, कहां से आ रही है तू? मैं भैया से मिलने गई थी। मैंने तुझे पहले भी मना किया था ना कि तेरा देवा से मिलना जुलना ठीक नहीं, मना किया था ना मैंने? हाँ, मगर आकाश भैया की मौत के बाद आज पहली बार। कौन हूँ मैं तेरा? तेरे पूछा कौन हूँ मैं तेरा? पति। तो फिर तुम्हें मेरी मर्जी से चलना है, जो मैं चाहता हूँ जब मैं चाहता हूँ वैसा ही करना है। देवा एक अपराधी है और मैं एक अफसर, एक पुलिस अफसर, और मेरी बीवी किसी अपराधी से मेल जोड़ रखे, ये बात ठीक नहीं, समझी? माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। आदत डालो देवा को भूलने की, आदत डालो। मनी जी, तू कितने सालों से काम कर रहा है देवा के साथ? तकरीबन 4 साल से। अच्छा अच्छा, बड़ा भला लड़का है तुम्हारा देवा। उसका दिल भी बहुत बड़ा है। बिजनेस भी उतना ही बड़ा होगा नहीं? हाँ, धंधा अच्छा चलता है। मतलब कि महीने में 1-2 लाख कमाता होगा, नहीं? 2 लाख? 10-12 खोका इधर उधर हो जाता है। हाँ? खोका? खोका बोले तो 1 करोड़। यानी कि 10-12 करोड़? तू सेफुरी खाएगा? नहीं नहीं माँ। अरे मैं मंगा दूँ, मेरी बहुत चलती है। बार बॉय। नहीं। मेरी बेटी कैसी लगती है? अच्छी लगती है। तेरे देवा को कैसी लगती है? बहुत अच्छी। हाँ, एक पंडित ने मेरी बेटी से कहा था कि वो बहुत बड़े घर जाएगी। अब तू सोच क्या मस्त जोड़ी रहेगी, राम सीता, शिव पार्वती, देवा जया। नहीं वैसे देवा कहाँ है? क्या बात है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? आज बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पाई हूँ ये कहने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love you। देवा, देवा मेरी बात तो सुनो। देवा, अच्छे तो तुम मुझे पहले दिन से ही लगने लगे थे। धीरे धीरे जितना मैं तुम्हें समझती गई, उतनी ही गहरी जगह तुमने मेरे दिल में बना ली। देवा, जया तुम जानती हो मेरी जिंदगी क्या है, मेरे साथ सपने जोड़ने का मतलब समझती हो? कल पुलिस के हाथों मारा जाऊं या दुश्मन के, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं जानती हूँ देवा, भगवान को जितने दिन हमारा साथ मंजूर है उतने दिन मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है, अगर तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। देवा, एक बार अपने दिल में प्यार जगा लो, देखो जिंदगी एक नया मोड़ ले लेगी। देवा, बकवास बंद करो। तुम जानती हो मेरी लड़ाई क्या है, मेरा मकसद क्या है? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ जोड़कर अपनी लड़ाई कमजोर नहीं करना चाहता। हाँ हाँ, मत जोड़ो मुझे अपनी जिंदगी से। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा मकसद सिर्फ खून, मौत और इंतकाम है। अरे नफरत की मशाल जला रखी है तुमने अपने अंदर। तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते, किसी से नहीं। अब इन पैसों की कोई अहमियत नहीं मिस्टर देवा, क्योंकि उनकी बीमारी अब ऐसी स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां आकर हमारी मेडिकल साइंस की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। क्या मतलब? अब वो कितने दिन जी पाएंगी ये कहना जरा मुश्किल है। ऐसी कौन सी बीमारी है? ब्लड कैंसर। ये बीमारी काफी दिनों से उनके अंदर पल रही थी, उन्हें यहां लाने में काफी देर हो गई। I'm sorry। अरे देवा, क्या बात है देवा, तू इतना उदास क्यों है? कुछ कहना चाह रहा है मुझसे? डॉक्टर। क्या कहा डॉक्टर ने? कि मैं मरने वाली हूं? ये बात तो मैं बहुत पहले से जानती हूं। हाँ देवा, इस सच्चाई को जानते हुए भी मैंने उदासी को अपने आसपास भटकने भी नहीं दिया।
जानते हो क्यों? क्योंकि मैं जया से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। पाप के मरने के बाद उसने जिंदगी में बहुत दुख देखे, सालों बाद उसने मुस्कुराना सीखा है। मौत का डर अपने चेहरे पर दिखाकर मैं उसकी वो मुस्कुराहट छीनना नहीं चाहती थी। ये सच है देवा कि अब तक मुझे मौत ने डरा रखा था, लेकिन तेरे मिलने के बाद वो डर भी निकल गया। अब मैं आराम से मर सकती हूं। मुझ पर एक एहसान और करेगा? अपनी बेटी के गले में मंगलसूत्र देखने का सपना हर मां का होता है। तू मेरा ये सपना पूरा करेगा? हाँ, बोलो इंदर। सर, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ड्रग माफिया के रिलेशंस हमारे कुछ एक खास मिनिस्टर्स के साथ हैं। सर, उनकी एक सीक्रेट मीटिंग के बारे में मुझे अभी-अभी खबर मिली है और मैं चाहता हूँ कि आप जरूर जरूर वहाँ पर पहुँच जाएं। उनकी गिरफ्तारी के वक्त आपकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। मैं आऊंगा इंदर। कहाँ आना है मुझे? डेल्टा टावर, ठीक 11 बजे। हेलो देवा। हाँ बोलो इंदर। देवा, मुझे आकाश के कातिलों के बारे में कुछ खास खबर मिली है। मैं चाहता हूं कि तुम डेल्टा टावर पहुंच जाओ ठीक 11:15 बजे। ठीक है, मैं पहुंचता हूं। आप लोग यहीं रुकिए। ओके सर। आइए सीएम साहब। जिंदाल तो? इंदर तो सिर्फ जरिया था आपको मुझ तक पहुंचाने के लिए। दरअसल मैं आपको ऑनर करना चाहता था, आपकी सच्चाई और आपकी ईमानदारी के लिए। क्या मतलब? आपको जलसे, समारोह, भीड़भाड़ पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा ये जगह ठीक रहेगी आपकी मरने के लिए। Huh?
सोना। डॉक्टर का बंदोबस्त करो। हाँ देवा। देवा ये सब क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ कौन क्या खेल खेल रहा है। एसीपी इंद्र सक्सेना से बात करनी है। साहब इस वक्त ऑफिस में नहीं है। देवा मैं पूछती हूँ ये सब क्या है? जया इंद्र ने बुलाया था मुझे वहाँ पर। जिंदाल ने सीएम को गोली मार दी। अगर मैं इसे वहीं छोड़ देता तो वो मार देते इसे। मगर जिस हालात में मैं वहां से निकला हूं पुलिस तो यही सोचेगी कि मैंने मारा इसे। एक बात समझ में नहीं आ रही केंद्र पहुंचा क्यों नहीं वहां पर। मिस्टर इंदर आज हर जगह हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट और डिपार्टमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। जब हम अपने सीएम साहब की जान की हिफाजत नहीं कर सकते तो आम जनता को क्या सुरक्षा दे पाएंगे। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप जैसे काबिल ऑफिसर के वहां होने के बावजूद भी देवा और उसके चंद गुंडे सीएम साहब को उठा कर ले गए।
हैरानी है मुझे, और आपकी इस गलती पर मुझे अफसोस भी है कि जब आपको सीएम साहब ने बुलाया था तो आपने उनकी सिक्योरिटी के लिहाज से सारी तैयारियां मुकम्मल क्यों नहीं की? सिर्फ चंद ऑफिसर्स को लेकर आप वहां क्यों गए? सर, जिस तरह से उन्होंने मुझसे फोन पर बात की थी, मेरे लिए इमीडिएटली पहुंचना बहुत जरूरी था। आई डिड नॉट हैव टाइम टू वेस्ट। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि देवा ने सीएम साहब को अपने कंधे पर उठा रखा था। हमारे लिए उसे निशाना बनाना एकदम मुश्किल था, क्योंकि गोली सीएम साहब को लग सकती थी। मिस्टर इंदर, मैं आपके और देवा के रिश्ते के बारे में जानता हूं, उसके बाद भी मुझे आप पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सर, इस भरोसे को कायम रखें। सर, मेरे लिए देवा एक अपराधी है, सिर्फ अपराधी। मिस्टर इंदर, हमें देवा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। सर, हमने सभी 14 जोन्स को अलर्ट कर दिया है। देवा के ठिकानों की जानकारी के लिए हमने मुखबिर फैला दिए हैं। इस पूरे ऑपरेशन में 250 ऑफिसर्स इन्वॉल्व्ड हैं। शहर के सभी एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। डोंट वरी सर, देवा बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। एक विशेष सूचना, आज सुबह करीब 11 बजे माननीय श्री मुख्यमंत्री साहब पर एक अपराधी देवा ने गोलियां चलाई। उनकी सुरक्षा में तैनात अंगरक्षकों ने देवा पर जवाबी गोलियां चलाई, लेकिन उनके द्वारा की गई पूरी कोशिशों के बावजूद देवा मुख्यमंत्री को लेकर फरार हो गया। पहले मुख्यमंत्री पर जानलेवा हमला करना और बाद में उनको अगवा करने के पीछे देवा का क्या उद्देश्य हो सकता है, इस बारे में पुलिस आयुक्त ने अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। मैंने कहा ना, मैं देवा के बारे में कुछ नहीं जानता। आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मुझे नहीं मालूम कि देवा कहाँ है। यहाँ आकर हर आदमी शुरू में झूठ बोलता है, लेकिन धीरे धीरे सच उसकी जुबान पर आ जाता है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, तुम जिस तरह से मुझे परेशान कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तुम बिना कसूर के एक आम नागरिक को इस तरह परेशान नहीं कर सकते। मैं भी एक वकील हूँ, कानून मैं भी जानता हूँ। बेटा वांटेड है, पुलिस से भागा फिर रहा है, और तू मुझे यहाँ कानून सिखा रहा है? ये तुमने ठीक नहीं किया ऑफिसर। मेरे बेटे के लिए मेरे आंसू बहुत बड़ी अहमियत रखते। अगर उसे पता चल गया तो मेरे एक एक आंसू के जवाब में तुम्हारा एक एक आदमी गिरना शुरू हो जाएगा। प्लीज 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 इंस्पेक्टर, अब हो गई तसल्ली आपको? मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि इनको कुछ पता नहीं, लेकिन आप लोग तो। प्लीज बाबूजी माफ कर दीजिए, प्लीज बाबूजी माफ कर दीजिए। मैं एक ईमानदार आदमी हूं इंदर बेटा, मैंने जिंदगी में आज तक झूठ नहीं बोला। देवा कहा ये मुझे तो क्या मेरे घर के किसी सदस्य को भी मालूम नहीं है। मैं जानता हूँ बाबूजी। नहीं मालूम है। देवा भैया, देवा भैया, क्या हुआ? आपके बारे में टीवी में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आपके बारे में जो भी बताएगा उसे इनाम मिलेगा। तुझे नहीं चाहिए इनाम? नहीं देवा भैया, हमें नहीं चाहिए इनाम। अब तक मेरी सूचना के मुताबिक पुलिस देवा की तलाश नहीं कर पाई है। शहर में पुलिस व्यवस्था। देखिए मैडम, मैंने इनकी गोलियां निकाल दी हैं। इनकी हालत बहुत सीरियस होती जा रही है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है, वरना ये मर भी सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको कितनी दफे समझा चुके हैं कि इनको हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। तो ठीक है, आप जो ठीक समझे करें। अब मैं यहाँ और नहीं ठहर सकता, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ बस। ओए! अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहां बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है बस। इनकी जिंदगी मैं भी चाहता हूं, इसलिए नहीं क्योंकि इनके सच कहने से मैं बच सकता हूं, इसलिए क्योंकि ये एक अच्छे इंसान है। और कुछ कहना है तुम्हें? क्या हाथ लगा हमारे, हाथ क्या लगा हमारे? छोटे भाई जैसा दोस्त लाल भी मारा गया, और देवा का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सके। तुम वक्त से नहीं पहुंचे, और जब पहुंचे भी तो अपने निकम्मे ऑफिसर्स के साथ। तुम लोगों की वजह से देवा निकलकर भाग गया। अगर देवा को वही मौके पर मार दिया होता तो तुम्हारी भी तारीफ होती, कल अखबारों की सुर्खियों में छपता। सीएम के कातिल को स्पॉट पर ही मार दिया गया। सीएम पर गोलियां मैंने चलाई हैं, कहीं वो जिंदा रह गया और उसने सब बोल दिया। अगर मुझ पर जरा सी भी आंच आई तो समझ लेना इंदर सक्सेना। जिंदाल साहब, काम तो आपने भी अपना पूरा नहीं किया।
सीएम को मारने की जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी। लेकिन आप चूक गए। चिल्लाओ मत नरसक सेना, चिल्लाने की औकात नहीं है तुम्हारी। तुम्हारी पोजीशन तुम्हारे दफ्तर में होगी। यहाँ जिंदा। रिलैक्स जिंदा साहब प्लीज। बात पोजीशन की नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी हुआ वो हेलो हेलो इंदर जिंदाल के सामने इस तरह। बीबी जी कपड़े ले लो। ये लो। ये ले। लेकिन मेरे पास तो छुट्टी नहीं है। अरे रहने दे, कल दे। नहीं नहीं मैं अभी लेके आई बीबी। अरे जी कोई बात नहीं, कल दे देना। अभी लाई बीबी जी, अभी लाई। चली गई। आ आ क्या है ये इंदर भी कितने लापरवाह हो गए। पेन मुझे आकाश के पास मिला, जिसके पास इसका कैप है वही उसका खूनी है। मतलब इंद्र ने बहन का आपने भाई के लिए इतना प्यार आज पहली बार देखा, आज पहली बार देखा। क्या बताने जा रही थी तुझे कि मैंने आकाश को मारा? मेरा नाम बता रही थी तू? हाँ मैंने ही आकाश को मारा। हैरान मत हो, तुझे याद है ना किस तरह से तेरे भाई देवा ने मेरे भाई विलास का हाथ उखाड़ दिया था? तूने तो सिर्फ उसका हाथ उखाड़ते हुए देखा था, जबकि मैंने अपने भाई को तड़प तड़प के मरते हुए देखा है। इतना बड़ा धोखा, रिश्ते, प्यार, शादी, सब तूने तो बड़ा ही नीच काम किया है इंदर। मेरे
मेरे देवता जैसे भाई को मारा। तुझे तो कभी भगवान भी माफ नहीं करेगा। भगवान तेरी यहाँ से नहीं सुनेगा, बहुत ऊंचा सुनता है। तुझे उससे फरियाद करने के लिए ऊपर जाना होगा। मेरी धर्मपत्नी होकर मेरा ही राज खोलेगी। चल। कहाँ से आ रहे हो? फौजी एयरपोर्ट से। खोलो। अच्छा सर। ये क्या कर रहे हो देवा? तुम यहां रुको, मैं देख कर आती हूं।
राम नाम सत्य है। वैसे भैया कुछ भी हो पूरे मोहल्ले में चर्चे हैं आपके। आज आपने जिस तरह से उन लोगों की पिटाई की, वाह भाई वाह, अब तो लोग जान गए कि गुड्डी का भाई भी कुछ है। मुझे पहले अपनी दुल्हन बनी बहन को जी भर के देख तो लेने दे। पंडित जी, मैं अपनी बेटी की अस्थियों के लिए आया हूँ। वो तो लड़की का भाई ले गया। कौन, देवा? हाँ हाँ, यही नाम था उसका। आप जिनकी अस्थियां लेकर आए उन्हें याद कीजिए। देखा शिंदे, क्या बात है, सिक्योरिटी क्यों बढ़ा रखी है? कमिश्नर साहब का ऑर्डर है सर। क्यों, मेरे ऊपर कोई कहर गिरने वाला है क्या? जाओ। सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। हेलो जिंदाल साहब। हाँ बोलो इंदर। पता चल गया, ये उलझन हम सबकी थी ना कि आखिर गुड्डी के हाथ ऐसा क्या लग गया कि वो आकाश के कातिलों के बारे में जान गई। कौन सी ऐसी चीज थी?
दरअसल उसके हाथ आकाश का वो पेन कैप लग गया था, तभी तो वो देवा को फोन करके बता रही थी। बेचारी, भाई तो मरा मरा, भाई के चक्कर में बहना भी मारी गई। और मरते मरते आकाश की मौत का आखिरी सबूत भी हमारे हाथ दे गई। अब आकाश और गुड्डी की मौत पूरी दुनिया के सामने एक सवाल बन के रह जाएगी। और जिंदाल साहब, जिस दिन से मैंने मेरे भाई फिलास की लाश को देखा है, मेरे अंदर जो आग लगी है आज जाके बुझवाई है। और वो हेलो तेरा ये नया चेहरा कितना घिनौना लग रहा है इंदर। देवा, देख देख देवा, देख देवा, मुझे हाथ पर लगाना, तुझे बाबूजी की कसम, तुझे अम्मा की कसम, देख तेरा जीजा हूं मैं। ये ले, ये क्या? ये मिंडी। अच्छा है, जिंदाल साहब को अब कुछ तो समझ में आया होगा। ए भाई, फोन लगा जिंदाल साहब को? जी हाँ, लग गया हुजूर। हेलो जी साहब। हाँ साहब से बात कराओ। साहब बंगले पर नहीं है। बंगले पर नहीं है जी? तो किधर गए? पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन? मगर क्यों? मालूम नहीं, कल इंदर साहब से बात हुई थी तब से उधर ही है। जिंदाल साहब भी बस वापिस इंदर सक्सेना की घुसकर बैठे हुए होंगे, उनका तो दिमाग खराब हो गया है। ए गिलास दे। काप क्यों रहा है खान? मौत का खेल तो शौक है ना तेरा? देवा मैं, तूने तो इस शहर में लोगों को खुलेआम मारा है, तो तेरी मौत इस बंद कमरे में कैसे हो सकती है? डर लग रहा है तो दौड़, अगर दौड़ तुझे तेरी मौत से दूर ले जा सकती है तो दौड़ 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 खान, दौड़ दौड़। बचाओ!
बशारत खान, बशारत खान, तू वही बशारत खान है ना जिसने मुझ जैसी अंधी औरतों और लाचार बच्चों के हाथ जहर से रंग दिए। जाने कितनी मौतों का सहरा बंधा है तेरे सर। अरे इन्हीं लोगों के घरों को बर्बाद करके आज खुद को इनका भाई बता रहा है, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। नहीं, इसे पनाह मत दो, मत दो इसे पनाह। ये एक अपराधी है, अपराधी, और अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। ऐसे शैतान को जिंदगी से निजात दिला देनी चाहिए, और खुदा भी यही चाहता है। देवा, ये भी तेरी अदालत है, इंसाफ कर देवा, इंसाफ कर। तो समझने की कोशिश कीजिए, इनकी हालत में कुछ सुधार नहीं हो रहा है। गोलियों के जख्मों की वजह से इनके शरीर में जहर फैलता जा रहा है। इन जख्मों को साफ करने के लिए मुझे कुछ छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़ेंगे, जिसके लिए हॉस्पिटल जाकर मुझे कुछ चीजें और दवाइयां खुद जाकर लानी पड़ेंगी। आप प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मगर तुम्हारे साथ मेरे आदमी भी जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आइए, आप प्लीज यहां बैठिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सिस्टर। देखिए, जितना भी ऑपरेशन का सामान, ये दवाइयाँ, ये इक्विपमेंट है ना, सबको दो मिनट में पैक करना है। जी अभी ना भी आया। बोल रहा हूँ। देखिए, मैं डॉक्टर राणे बोल रहा हूँ, अपोलो हॉस्पिटल से। जी हाँ, देखिए, मैं जानता हूँ कि देवा ने सीएम साहब को कहाँ रखा है। वो मालवनी विलेज है ना, उसके पास वो पुराना किला है, उसके पास। जी हाँ, देखिए, सीएम साहब की हालत बहुत खराब है, उन्हें एक अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है। जी हाँ, वो बच सकते हैं और देवा भी उन्हें बचाना चाहता है। ओके सर। जिंदाल साहब, दो खबरें हैं, एक अच्छी एक बुरी, पहले कौन सी सुनेंगे? कान तरस गए अच्छी खबर सुनने के लिए, पहले अच्छी सुनाओ। देवा जिस जगह पर छिपा है, उस जगह का ठिकाना हम सबको मिल चुका है। सीएम साहब अभी भी जिंदा हैं और देवा उन्हें बचाना चाहता है। देवा, देवा, देवा कहाँ है? कोई तो बताओ, देवा कहाँ है? मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, कहाँ है? Thank you.
शेखपुरा के लोगों, इस बस्ती को पुलिस ने पूरी तरह से घेर लिया है। अगर किसी ने देवा से वफादारी निभाने की भूल की या फिर इस ऑपरेशन के दौरान किसी ने अपना सर उठाने की जुर्रत की तो उसको दुनिया से उठा दिया जाएगा। फ्रंट पुलिस फोर्स मूव मूव। देवा, ए देवा, बुजदिल साले, अरे देवपुरा के कौन से बिल में छिपाए तू? अरे बाहर आता है या उसी बिल में मैं तेरी कब्र बना दूं। भी सीएम मिले उसे खत्म कर डालो।
जल्दी चल, चल जल्दी, आई सर, आई सर, ये बैठे मार, चल, चल मनी जल्दी चल, चले, चलो गाड़ी निकालो जल्दी, चल चल, रशीद, चल चल चल, बंद कर दरवाजा, बाहर निकल देवा, बाहर निकल, चल जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है देवा, बनना पड़ता है। मेरा बेटा देवा बेकसूर है, गोली मुझे जिंदाल ने मारी थी, एसीपी सक्सेना ने मुझे फोन करके डेल्टा टावर बुलाया था अकेले, जब मैं वहां पहुंचा तो